यज्ञ की निताय गौर प्रेमानंदे भाद्र पूर्णिमा इसको छोड़ के और भी बहुत स्पेशल दिन है। आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने सन्यास लिया था हरिभो। और आज चातुर्मास से क्या तीसरा महीना शुरू हो रहा है। और एक स्पेशल दिन है कि आज कुमार लीला प्रभु आए हैं। तो मैं प्रभु का एक छोटा इंट्रोडक्शन देता हूँ, आप सब लोग बहुत लोग जानते हैं। तो कुमार लीला प्रभु बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं। प्रभु जी जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे आईआईटी बीएचयू से, तो वहां पर वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, बीटेक कर रहे थे, और उस समय वो कृष्ण भावनामृत में आए। तो शुरू से प्रभु बहुत सीरियसली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं कर रहे थे और बहुत लोगों को उन्होंने कृष्ण भावनामृत जुड़े। तो प्रभु जब पढ़ाई कर रहे थे तो उधर यूनिवर्सिटी टॉपर थे और उधर गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। तो बाद में जब प्रभु को जॉब मिला था तो जॉब उनको कोलकाता में मिला था और कोलकाता में वो जॉब कर रहे थे आईटी कंपनी में। और उस समय पहली बार प्रभु के साथ मेरा मुलाकात हुआ था और तब से हम लोग दोस्त हैं। तो उस समय हम लोग एक साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी हॉस्टल में प्रीचिंग करने के लिए जाते थे और मंदिर में भी हम लोग एक साथ प्रचार कर रहे थे, यूथ प्रीचिंग कर रहे थे। तो प्रभु हमेशा ही बहुत बहुत पावरफुल प्रीचिंग करते थे। उधर आए क्या कहते हैं बीएचयू में भी उधर वॉइस बना था और वॉइस बहुत बड़ा वॉइस था और वॉइस के ओवरऑल कोऑर्डिनेटर थे। कोलकाता में भी आए, फिर कोलकाता में भी बहुत अच्छा प्रभु प्रचार कर रहे थे और फिर बाद में प्रभु पुणे में चले गए तो पुणे में भी बहुत बढ़िया प्रीचिंग किए। उधर बहुत सारे कॉलेजेस में प्रभु प्रीचिंग किए, बहुत सारे युवाओं को कृष्ण भावनामृत जुड़े। और फिर प्रभु 2000 मेरे ख्याल से 8-9 के आसपास प्रभु जी ने फुल टाइम ज्वाइन किया पूना में और फिर प्रभु कोलकाता में आए थे। पूना से बहुत सारे डिवोटी कोलकाता में आए थे तो उस समय बाकी सब भक्तों के साथ प्रभु जी कोलकाता में भी आए और फिर कोलकाता में आके फिर से यूथ प्रीचिंग चालू किया। इधर बहुत सारे कॉलेजेस में प्रभु प्रीचिंग किए, विशेष करके लास्ट बहुत सालों से एक बहुत काफी बड़े मात्रा में कॉलेज प्रीचिंग हो रहा है, वो हल्दिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हल्दिया मेदिनीपुर में। उधर बहुत बड़ा एक वॉइस है, जैसे मायापुर में बड़ा बड़ा गेस्ट हाउस है उधर भी एक यूथ हॉस्टल है एकदम मायापुर के गेस्ट हाउस की जैसे। काफी सारे बच्चे लोग उधर प्रभु के मार्गदर्शन में सीरियसली कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और बहुत बच्चे लोग भक्ति करके कॉलेज से पढ़ाई करके भक्ति करके ग्रेजुएट हो गए हैं, पास आउट हो गए हैं और जो अपने अपने एरिया में जाकर इधर घर के आसपास हो या जहां पर वो जॉब कर रहे हैं वहां पर जाके प्रभु के गाइडेंस में वो लोग प्रीचिंग कर रहे हैं। और बहुत सारे लगभग 1000-2000 भक्त लोग कॉन्ग्रीगेशन गृहस्थ लोग प्रभु के कॉन्टेक्ट में है। तो इस प्रकार बहुत अच्छा यूथ प्रीचिंग और उसके साथ साथ कॉम्युनिकेशन प्रीचिंग भक्ति विषय प्रोग्राम वो भी कर रहे हैं। अभी हल्दिया में बहुत सुंदर प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत सुंदर उधर गौशाला है, फिर गुरुकुल है। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग छोटे उम्र से उधर रहना शुरू किया है
जैसे कॉलेज में जाते तो कॉलेज जाते जाते स्पॉइल हो जाता है लोग, तो इसलिए प्रभु का इच्छा है कि छोटे उम्र से ही लोग कृष्ण भक्ति करे। तो जैसे आप लोग बहुत सारे गृहस्थ लोग हैं, आपके बच्चे लोग आप स्कूल में भेजते हैं, उधर जाकर लोग स्पॉइल हो जाता है बैड एसोसिएशन से, इसलिए प्रभु जी ने छोटे उम्र से जो भक्त लोग हैं उनके बच्चे लोगों को एक फैसिलिटी तैयार किया है कि लोग उधर रह के पढ़ाई के साथ साथ भक्ति कर सके। इस प्रकार बहुत सुंदर बहुत प्रकार के सेवा प्रभु कर रहे हैं। तो प्रभु का क्लासेस बहुत इनोवेटिव और बहुत इंस्पायरिंग होते हैं, और प्रभु का जो उत्साह है और भक्ति है बहुत ही तीव्र है। जब मैं पुणे में था, हम लोग एक साथ थे पुणे में, तब हम देखते थे कि प्रभु बहुत सीरियसली जॉब करते थे और पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम पूरे दिन भर बहुत सीरियसली भक्ति करते थे, और कभी बीमार पड़ जाते थे तो बीमार पड़ते थे लेकिन उनका बीमार अवस्था में भक्ति बहुत तीव्र करते थे, और बीमारी से ठीक होने से पहले ही आ जाते थे सारा प्रोग्राम में बाकी भक्तों के साथ, और फिर बीमार पड़ जाते थे, बीमार पड़ जाते थे और बीमारी से ठीक होने से पहले फिर से आ जाते थे। तो इस प्रकार मतलब प्रभु को कोई मतलब कोई रोक नहीं पाए, मतलब रुकावट नहीं है, तो हमेशा प्रभु बहुत उत्साही हैं और उनका भक्ति कंटिन्यूअस चलता रहता है। एक्चुअली भक्ति कंटिन्यूअस ही चलना चाहिए, लेकिन हम लोगों का भक्ति जैसा है अभी अलग अलग कारण रुक जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, हमारे अलग अलग भौतिक इच्छा है, अलग अलग चीज के कारण हमारा भक्ति बार बार अप डाउन करते हैं, लेकिन प्रभु का भक्ति कंटिन्यूअस जैसे गंगा कंटिन्यूअस बहती रहती है। इस प्रकार प्रभु भी बहुत सीरियस हैं और बहुत लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज प्रभु कोलकाता आ रहे थे, हमें भगवान की कृपा से पता चल गया, तो मैंने प्रभु को इनवाइट किया। तो हम लोग स्वागत करेंगे कुमाल्या प्रभु को दिन बार। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, कुमाल्या प्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो मैं बीते कई साल से जो भी भक्ति कर रहा हूँ, मेरा यही साक्षात्कार है कि भक्तों के आशीर्वाद से कुछ होता है। तो आप लोग सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि बिना आशीर्वाद के कुछ नहीं होता है। मेरे लिए बहुत लोग रोज प्रार्थना करते हैं, तो इसीलिए मैं अभी तक भक्ति में टिका हुआ हूँ, और आप लोग भी प्रार्थना करेंगे। मैं आप लोग को ऑर्डर तो नहीं दे सकता, आप लोग विनती कर सकता हूँ, मैं दिखा रही हूँ, आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप लोग कुछ मेरे प्रार्थना कर सकते तो बोलिए हरि बोल, एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के आप मुझे प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हम बहुत कंगाल आदमी है, हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी भक्तों से मिला है आशीर्वाद से ही, हम तो आशीर्वाद से कुछ चल रहा है। तो आज चूंकि भागवतम का प्राकट्य दिवस है, हम भागवत से सुंदर एक लीला चर्चा करेंगे, तो जिसको बोलते रुक्मणी मंगलम, भगवान का रुक्मणी के साथ सुंदर विवाह हो रहा है, बहुत सुंदर लव मैरिज है, समझते भगवान की बहुत सुंदर है। आइए हम लोग, तो रुक्मणी विवाह नहीं, हम लोग सबका भगवान के साथ विवाह है, समझ रहे हैं, हर एक जीवात्मा बहुत सुंदर है। तो आइए हम भागवतम के 10वें स्कंद के 52 नंबर अध्याय 16 नंबर श्लोक में भगवान की लीला आती है, अगर आप विजिट कर सकते हैं या मोबाइल पे देख सकते हैं, 10.52.16। भगवान ने बहुत सुंदर लीला है, किसमें आएगा प्रोजेक्ट करने, ये तो सब लोग हाथ जोड़िए बोली ओ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ
वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बहुत ही सुंदर भागवतम के श्लोक है, कैसे भगवान अभी विवाह करने वाले समझ रहे हैं। तो बोला गया है कि भगवान इतना हर एक दिवात्मा से प्रेम करना चाहते हैं, तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि जरासंध ने भगवान पे आक्रमण किया है। क्या किया है जरासंध ने भगवान पे? कितनी सेना लेके आते? 23 अक्षौणी सेना। एक अक्षौणी में करीबन 21,870 रथ होते हैं, और 21,870 हाथी में सवार होते हैं, और उसके 3 गुना 65,000 करीबन 610 घोड़सवार होते हैं, और उसके 5 गुना करीबन 109,350 क्या होते हैं पैदल सैनिक होते, करीबन 2.5-3 लाख लोग एक अक्षौणी में रहते हैं। ऐसी 23 अक्षौणी मतलब करीबन 70-80 लाख मतलब 1 करोड़ लोग को लेके आया। किससे युद्ध करने के लिए? भगवान से युद्ध करने। क्यों युद्ध करा था? क्योंकि भगवान ने किसका वध कर दिया? कंस का वध। कंस को एक मुक्का मारा, मर गया। तो उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अस्थिर, एक का नाम था प्राप्ति। किसकी बिटिया थी वो? हमारे बिहार के झारखंड क्या बोलते हैं जरासंध, समझ रहे? तो जरासंध की पुत्रियां थी, तो वो पुत्री वो वापिस पिताजी के पास चली गई और बोली, पिताजी देखिए हमारे पति को मौका भी नहीं दिया, डायरेक्ट मार दिया, समझ रहे? और पूरा गुस्सा हो गया, मैं पूरे यादव लोग को पूरे पृथ्वी से खत्म कर दूंगा, क्या करूंगा कैसा वो गाली दिया कृष्ण को, समझ रहे? क्या गाली दिया? नहीं दिया बोले, खूब गाली दिया कि जो भी दिया हो, समझ रहे? ये एक नंबर का हरी बोल है, समझ रहे? ये कृष्णा देखो अपना मामा को मार दिया। किसको मार दिया? इसलिए एक नंबर का हरी बोल है, इसलिए इसको हम छोड़ेंगे, इसलिए हम इसको मार देंगे। क्या करेंगे? इसको ही नहीं पूरा यादव लोग सबको मार देंगे, समझ रहे? और वो ये नहीं सोचा कि वो क्या बोल रहा है, मामा को मार दिया, मामा भांजा को मारा, वो याद नहीं। मामा भी तो भांजों को मार, छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते थे, काम तमाम, समझ रहे? मामा का बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट मतलब, समझ रहे? देयर फादर। सो ऐसे सारे कौन थे हमारे, समझ रहे? मामा जी। तो अपने अपनी गलती नहीं दिख रही, ये दानव का स्वभाव था, अपनी गलती और दूसरे की गलती पकड़ लेते, समझ रहे? तो आ गया 1 करोड़ सेना, ले कितनी सेना लेके आ गया? और पूरा घेर लिया पूरा मथुरा को। और भगवान आराम से आए, उन्होंने इच्छा की, रथ आ गया, बलराम जी बलराम जी चलिए घूम के आते हैं, पूरा उन्होंने घेर लिया, एकदम लग रहा था पूरा एकदम घिरा गए, सब लोग सोचे मर जाएंगे कृष्ण, सब एकदम पूरा कृष्णा कृष्णा ऊपर से जो बहलों से देख रही थी स्त्रियां पूरा घबरा गई, छोटे नन्हे बालक फंस गए। फिर भगवान जब देखे एकदम पुकारने लगे, कृष्णा प्लीज कुछ कीजिए। तब फिर कृष्ण क्या किए, और 1 घंटे में सबको समाप्त कर दिया, क्या किए? 1 करोड़ लोगों को धड़ 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 धड़। फिर एक जरासंध बचा, फिर बलराम जी बोले क्या करना चाहिए? तो बोले इसको छोड़ देते हैं, समझ रहे? क्यों? और लोग को लेके आएगा, समझ रहे? मन बोले हम लोग कितना असुरों को मारेंगे यार, खोज के खुद ही ले आएगा तुम लोग। तो फिर वो 12 लेके आया, 17 बार भगवान क्या करते थे उसको। तो जरासंध जो था वो सोचा संन्यास ले लेंगे, वो और फाइटिंग नहीं करेंगे। लेकिन वो जब जाया था तो उसको फिर बुरे लोग का संग हो गया। दोस्तों बोले अरे आप एक बार में घबरा गए, आप तो गीता उता जानते, आप तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की आप सेवा करते हैं, आप तो इतना पाठ सुने, कर्मणिवादी का रस्ते, अरे सम दुख सब सब सम होना चाहिए, आप क्यों हट हार क्यों गए? तो उन लोग का भगवद गीता का क्लास से प्रेरणा लिया शुरू कर, समझ कि हमको हारना नहीं चाहिए, होंगे कामयाब। फिर चल गए, फिर सेना लेके आए, 17 बार हार के गए, समझ रहे? 18वीं बार कौन हो गया? उधर एक नारद मुनि थे, नारद मुनि ने एक व्यक्ति था वो कालेवन नाम था, समझ रहे? तो कालेवन उधर आ गया और उसको वरदान था कि उसको कोई मार नहीं सकता है इसको छोड़ के, तो इसलिए सब देवता लोग को परेशान कर रखा था। इधर इधर वो आ गया 3 करोड़ सेना, वो नारद मुनि किससे झगड़ा करे, मतलब जाओ यादव लोग से झगड़ा, समझ रहे? आ गया, समझ रहे? कृष्ण टेंशन में आ गए कि भाई 2 लोग आ गए एक साथ, वो जरासंध भी आने वाला रास्ते में, समझ रहे? कभी 2 लोग एक आक्रमण करेंगे, मैं एक से फाइट करेंगे, हमारे लोगों को खतरा नहीं पहुंचा जाए भक्तों को। तो किसने रातों रात क्या किया, सबको द्वारका नगरी बना दी विश्वकर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वकर्मा जी के द्वारा क्या बनवाया उन्होंने। और आजकल के लोग क्या क्या विश्वकर्मा जी से करवा रहे पता नहीं,
अभी हम आ रहे थे रास्ते में, हमको 2 घंटा हल्दिया से पहुंचने में लगा और 2 घंटा कलकत्ता पहुंचने में लगा, कलकत्ता से कलकत्ता पहुंचने में लगा, समझ रहे। और विश्वकर्मा जी का विसर्जन करने जा रहे थे, ऐसे ऐसे म्यूजिक बजा रहे थे, समझ रहे समझ रहे। देखा क्या क्या म्यूजिक बजाए, विश्वकर्मा जी पागल हो जाएंगे, समझ रहे। क्या बजाए थे, अब क्या करे, हम कान बंद नहीं कर सकते, सुनाई दे रहा था, समझ। जाम में फंसे हुए थे, क्या बोला था कि मुंडा, समझ रहे, लड़की को देख के दीवाना हो गया, समझ रहे। या तो सॉन्ग समझ याद से आ रहा है, गोरा का चेहरा, हाँ ऐसा कुछ था, समझ रहे, गोरा रंग देख के दीवाना। क्या क्या ये लोग, विश्वकर्मा जी बोले कहा फंसा दिया, और लोग सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, विश्वकर्मा जी का विसर्जन करने जा रहे, बेटे दारू पी खा कर रहे, पता नहीं। विश्वकर्मा जी बोलते भाई तुम लोग का विसर्जन करेंगे, चलो। तो विश्वकर्मा जी ने क्या बनाई, इतनी सुंदर द्वारका नगरी बनाई, सुची भगवान की कृपा, सुनने समुद्र के अंदर क्या बना दिया, तो बना सकता समुद्र के अंदर नगरी, आप समुद्र के अंदर अपना घर बना सकते, भगवान की शक्ति समुद्र के अंदर क्या बना दिया उन्होंने। और द्वारका नगरी में बताया आपको 9 लाख महल थे, कितने थे, 9 लाख महल, एक दो महल नहीं, कितने थे, अरे कलकत्ता ऐसे थर्ड क्लास गेस्ट हाउस नहीं, सोने के पिलर्स होते थे, कैसे थे, कैसे पिलर्स थे, सोने के पिलर्स, ऐसे कितने थे, 9 लाख, समझ रहे। तो भगवान ने सबको रातों रात ट्रांसफर कर दिया, सब सोए मथुरा में, उठे द्वारका, और सब सामान भी ट्रांसफर, मूवर पैकर्स कोई जरूरत नहीं, पूरे एकदम हाउस ट्रांसफर हो गया, सब कुछ एकदम मिल गया उनके यहाँ फैसिलिटी के साथ, ये है भगवान हमारे। और फिर भगवान जब सब सेट कर लिए तो निकल गए, और बिना वेपन के निकले, तो कैटवॉक करते हुए भगवान, समझ रहे, सुंदर चक्र एकदम चतुर्भुज रूप लेके तो निकले, एकदम ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और वो कालीवन देखे बहुत आकर्षित हो गया, क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं। फिर चूंकि असुर था, भक्ति की गुनी था, तो बस मारेंगे, हम लोग सुंदर भगवान को देखे, भगवान इसका सेवा करेंगे, कृष्ण को नाम लेंगे, वो लेकिन सोचा कंक्लूजन क्या था, ब्यूटी का पार हो, लेकिन वो पकड़ा किस गलत आदमी चक्कर फंस गया, कृष्ण ही चक्कर, बड़ा खतरनाक आदमी है, समझ रहे, कालीवन सोचा वो खतरनाक, उसका पाप था, हमारा पाप, समझ रहे, समझ रहे। कृष्ण ओ उसको बोल, और वो सोचा कि अरे ये वेपन के बिना चल रहा है, इसके अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो हम भी अस्त्र शस्त्र के बिना चलेंगे। और किसने स्माइल दी उसको, और स्माइल देकर उठा, अरे आप छोड़ेंगे नहीं, चलो चलो। और 150 किलोमीटर को दौड़ा है, समझ रहे, अभी मथुरा से 150 किलोमीटर धौलपुर गुफा है, वहां आराम से, वहां धीरे वहां धीरे धीरे चले, दौड़ भी नहीं दे रहे, बेटे दौड़, अरे पकड़ेंगे पकड़े, अरे रुको रुको रुको, अरे काम आ रहा है, रुको रेप करो, अरे तुम क्षत्रियो कैसे कर रहा है, रुको रुको, भगवान को स्माइल दे रही, समझ रहे। वो दौड़ जा रहा, दौड़ जा रहा, पकड़ नहीं पा रहा है। तो आचार्य बोलते क्यों नहीं पकड़ पा रहा है, बगल में 1 फीट का दूरी था बस, यही लगता पकड़ ले, पकड़ ले। तो बोलते चूंकि उसके अक्षत कर्म होते, उसके पाप खत्म नहीं हुए, क्या खत्म नहीं होते, वैसे ही हम लोग भी माला 1 फुट की दूरी में रहते हैं, कितना दूरी से, 1 फुट से कम पकड़ में नहीं आता है, समझ रहे, दिन भर लटकल रहता है, रात को याद आता है, अरे बाबा गुरु जी को बोले थे 16 लटा माला करना है, ना उठाओ क्या करेंगे, समझ रहे, दिन भर बीत जाता है, माला दिखाई देते याद ही नहीं आता, माला कर लेंगे, शुद्ध भक्त बनना है हमको, क्या बनना है हमको, शुद्ध भक्त बनना है, क्या बनना है, शुद्ध ऐसा माला करेंगे, अनंत नाम करेंगे, 64 बार से कम करेंगे क्या, पता नहीं वो दिन आता है क्यों नहीं, रोज ऐसा परिक्रमा हम लोग संकल्प लेते, होता नहीं, कितने संकल्प लेते अच्छा भक्ति करेंगे, समझ रहे, कितने लोग का विकेट 16 के बाद डाउन हो जाता है, समझ रहे, डाउन होता है कि नहीं, 16 के बाद ज्यादा कर पाते हैं, समझ रहे, कितने सोचे करेंगे तो ऐसा भक्ति करेगा आज शुद्ध भक्त बन जाए, इच्छा कितने लोग आई है शुद्ध भक्त बनने की, नहीं आए आप लोग, तो हाथ खड़ा कीजिए भाई, उत्साह से क्लास अटेंड कीजिए भाई, समझ रहे। तो सबकी इच्छा इतनी करके बात पाप बहुत करते हैं, इसलिए समझ रहे भक्ति में आगे बढ़ना था, पापों को छोड़ना, जब पाप पवित्र जीवन जिएंगे भक्त जन, तब क्या होगा, भगवान में रुचि स्वाभाविक आती, 150 किलोमीटर दौड़ के गया लेकिन भगवान को, और फिर बेटा गुफा में घुसा, देखा भगवान एक आदमी सुता, एक आदमी सोया हुआ, सोचा बेटा इतना हमको दौड़ाया इस घुगली के लिए, कि बेटा सुत कोई लिमिट, कोई आदमी आपको एकदम 150 किलोमीटर दौड़ा दे उसके बाद सो जाए, हाइट ऑफ ह्यूमिलिएशन, मतलब समझ रहे, इसको बड़ा गुस्सा है, बड़े छोड़ेंगे तुम, मारा ये अकेला, वो आदमी था कौन, मुचकुंद, समझ रहे, मुचकुंद जी को आशीर्वाद था,
देवता लोग युद्ध किए थे, देवता लोग की सेवा किए थे और उसका थाल कहते बोले क्या चाहिए, बस सोने दो और आशीर्वाद दो कि जो उठवाए वो चल कर रहा। ऐसा क्यों आशीर्वाद मांगे? आचार्य बताते हैं ऐसा क्यों मांगे, उनको डर था फिर इंद्र कोई उसको झगड़ा वगड़ा करके कोई असुर परेशान करे फिर फोन करेगा व्हाट्सएप इमरजेंसी कॉल आई है, फिर नींद से उठा देगा फिर परेशान हो जाएंगे और इंद्र को भरोसा नहीं है, ये तो हड्डी भी मांग लेते देवता लोग महात्मा लोग से, तो बोला भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बोला इंद्र को सोच के सोच ये लोग देवता लोग गुलाम ना ले, इसलिए बोला था क्या वरदान मांगेंगे हमको जो उठाएगा जल के ताकि देवता लोग डर जाए। भगवान ने इस वरदान को यूज कर लिया और कालेवन को बुला लिया, कालेवन जैसे लात मारो उठाओ देखा, जैसे उसको देखा जल के राख हो गया और फिर भगवान बात सामने आए आई एम देयर फॉर यू, वो मुझको सेवा करके भूल गए भगवान भूले, इसलिए आप सेवा करके भूल जाएंगे भगवान भूलेंगे। विशेष करके बहुत लोग नाम जप करते हैं माला करते हैं इसका बहुत ज्यादा कृपा मिलता है, कुछ भक्तों को रोज ज्यादा माला करते हैं बहुत अच्छी बात है समझ रहे, बहुत कृपा मिलती है, अभी नहीं मिलेगी आपको जरूर कृपा मिलेगी। कुछ भक्त में जानता हूँ रोज 32 माला भी करते हैं सुबह उठते लगता है कुछ नहीं हो रहा, हो रहा है कृपा अवश्य आपको मिलेगी, आपको करूँ कृपा जिसने भी भजन किया है देखिए बहुत रूपये हो जाते, इसलिए श्रद्धा पूर्वक माला करनी जीवन में सबसे पहला काम हो रहा है, सुबह उठ के भजन कीजिए, कोई नहीं देखता लेकिन कृष्ण देख रहे हैं, कृष्ण अपने डायरी में लिख रहे हो जी और आपको माला माला अंदर ही अंदर कर रहे हैं समझ रहे हैं, मतलब अकाउंट में पैसा जा रहा आपको दिख नहीं रहा बस समझ रहे हैं, एकाएक आपका करोड़पति का चेक आएगा और 100 करोड़ पहले समझ रहे। तो वैसे भगवान क्या करते हैं बहुत कृपा किए हुए भजन को भूलते तो मुझकुंद भूल गए लेकिन भगवान भूले, मुझकुंद भूल गए लेकिन भगवान भूले और भगवान आए मुझकुंद को दर्शन दिए उसको संगति दिए उसको बोले तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए भगवान की भक्ति में याद रखिएगा भगवान कहीं भूलते, इसलिए जीवन भक्ति कीजिए भगवान से प्रेम की भी साधा भगवान कहीं भूलते समझ रहे, इसलिए एक भजन आता है इसलिए जो भगवान का भजन करेगा देखेगा कि भगवान बड़ी कृपा और भगवान फ्रेंड बन जाते हैं, भगवान गीता में भगवान जी बोलते हैं परपोट आता है 18.58 का परपोट भगवान जी लिखते हैं कैसे मत चित्त सर दुर्गाणी मत प्रसादा तरीश, कोई अगर मेरे मन लगा देगा ना उसके जीवन के प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, भगवान क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट इसका ज्यादा कठिन ट्रांसलेशन दिए मत चित्त मेरे में मन लगा दो, मेरे में क्या लगा दो मन लगा दो नहीं हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोले भगवान के अनुसार काम, भगवान बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी, भगवान बोल रहे हैं कि महाप्रसाद कम खाइए तो कम खाइए, महाप्रसाद ज्यादा खाइए ज्यादा खाइए समझ रहे, देख हम लोग अपना मनमानी करें भगवान क्या बोल रहे हैं परपोट हम देंगे, प्रभुपाद ये दिए थे वो तो उस समय के लिए देते अब हमने आया परपोट देंगे समझ रहे हैं, कि महाप्रसाद में लड्डू है हलवा है हमने अतुलपुर महाप्रसाद दिया बटेगा समझ रहे हैं, तो महाप्रसाद लड्डू है तो भगवान ने बोला महाप्रसाद खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए महाप्रसाद भगवान का बोली है महाप्रसाद देखते के साथ बिना नहाए धोए भी खा सकते, और जब करेला सब्जी आ गया दूसरों को बिल बार खाना चाहिए सबको सर्विस दे रहा है भाई दूसरों को भी देना चाहिए, तो ये हम लोग आचार्य खुद बन जाते हैं समझ रहे, हम लोग खुद ही अपना परपोट बना के रखते हैं, गुरुजी कुछ भी बोले बोले गुरुजी आपका लेक्चर हम लोग स्टोर नहीं हमारा खुद का परपोट है समझ रहे, ऐसे भगवान इसको बोलते हैं मस्जिद नहीं बोलते मस्जिद में भगवान जो चाहते वो करना पड़ेगा, भगवान जो चाहते वो समझ रहे मस्जिद सर्व, भगवान बोलते मेरे मन लगाओ मेरे अनुसार काम करो, इसको बोलते हैं शरणागति, क्या बोलते हैं शरणागति के 6 लक्षण बताते भक्तिविनोद ठाकुर समझ रहे उसमें तो इसलिए शरणागति नहीं करेंगे तो भगवान आपके साथ आदान प्रदान, इसलिए क्या बोल रहे शरंगो शरणागति कोई भी तहार प्रार्थना सुनो श्रीनंद तुम्हार शरंग शरणागति कोई बेदा
सुन रहे हैं, आप इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सुनते हैं, लेकिन आपको सड़ंगत शरणागति भी करनी पड़ेगी। शरणागति का लगता है अनुकूल से संकल्प, क्या है अनुकूल अनुसार काम करना पड़ेगा। भगवान बोलते सुबह उठ जाए, नहीं प्रभु जी हम सुबह कैसे उठेंगे, समझ रहे हैं, सुबह उठेंगे नहीं तो बोलेंगे। भगवान बोले अरे भगवान जो जो बोलेंगे हम करेंगे, अभी बोले कृष्ण कृष्ण प्रेम दे दो, भगवान बोलते नाटक कर रहे क्या कर रहे क्या कर रहे, समझ रहे। एक बार मैं गया प्रोग्राम दिया था तो एक बच्चा रो रहा था, उसको क्लास में सफोकेशन हो रहा था, समझ रहे, माँ छोड़ दो, तो नाटक बाहर भागना, समझ रहे, तो नाटक नहीं बैठो इधर क्लास में बैठो थोड़ा वो भाग गया, समझ रहे। तो इसको क्या बोलते हैं नाटक, क्या है हम बोलते क्या भक्ति करते हैं नाटक भक्ति, क्या करते कौन सी भक्ति करते हैं नाटक भक्ति, समझ रहे। हम लोग बोलते हाँ कृष्ण प्रेम चाहिए, लेकिन हम लोग उसके लिए पैसा देना चाहते, जैसे हम बोलते बहुत अच्छा समोसा है हाँ हाँ खाएंगे, पैसा दो 500 रुपया, नहीं नहीं हमें 50 रुपया भी नहीं, हमें 5 रुपया भी नहीं, अरे 1 रुपया तो 1 रुपया भी नहीं, अरे भिखारी हो के तुम मांगेगा क्या, बढ़िया समोसा ऐसे कैसे मिलेगा। तो आपको क्या देना पड़ेगा, शरणागति करनी पड़ेगी, तब भगवान आपके साथ क्या करेंगे आदान प्रदान। तो जो भी है हम देखते हैं अनुकूल, तो मुचकुंड महाराज भगवान के अनुकूल जीवन जिए थे, उन्होंने भगवान की इच्छा होते भक्तों की सेवा कर, देवताओं का कष्ट गए और अपना परिवार वह सब छोड़ छाड़ के बेचारे बहुत दिन सेवा की, जब आए तो सब परिवार गायब हो चुका था, उन्होंने अपना अपना खुद बढ़िया घर था उनका, पत्नी अच्छी थी बच्चे अच्छे थे, लेकिन सेक्रीफाइस किया उन्होंने किसके लिए, भगवान भक्तों की सेवा के लिए। वो भक्त तो शुद्ध भक्त नहीं बने, वो लोग तो संगठन भी करते रहे, लेकिन भगवान देखिए ये बहुत शुद्ध सेवा की, तो भगवान ने उनको क्या शुद्ध भक्ति दे दी, पहुंच गया दर्शन दे दी, वो तो दर्शन मांगने भी नहीं आया लेकिन भगवान स्वयं दर्शन दे, इसलिए की भी भक्ति भगवान कभी भूलते नहीं है, की भी भक्ति भगवान कभी भूलते। तो उसके बाद भगवान ने मुचकुंद पे कृपा की और उसके बाद भगवान काल यवन की सेना के पास आया, उनको भी खत्म किए और फिर तब तक जरासंध की सेना आ गई, भगवान भागने लगे इस बार, क्योंकि रुक्मणी जी का उनका लेटर आने वाला था, भगवान को पता था रुक्मणी जी मुझसे उनकी इच्छा थी, तो इसलिए भगवान जानते थे मैं युद्ध करने में टाइम बर्बाद कर दूंगा, तो फिर रुक्मणी जी के साथ मेरा वो बेचारे मेरे को बुला रही, तो इसलिए भगवान जी क्या किए वहां से भाग गए, तब से उनका नाम पड़ गया रणछोड़ जी, क्या नाम पड़ गया और पर्वत में उठ गए 17 बार और ओ जरासन बड़ा खुश हो रहा मजा आ गया इसको हरा दिए, अरे पगलवा 17 बार तेरे का इतना हरी बोल किया है तो शर्म नहीं आता है, तो मुझे देखा कैसे भाग रहे, अरे कृष्ण रुक 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 रुक, कृष्ण कुछ बोले नहीं, वो सबको बोला देखा 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 पावर देखा पावर देखा, समझ रहे, और सब बोलूंगा हाँ 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 हुजूर हाँ हुजूर, समझ रहे, और कृष्ण बलराम भाग गए और प्रवर्सन पर्वत में चढ़ गए, बोला अरे कहाँ छू क्या खोजा खोज नहीं पाया कृष्ण, तो बोला आग लगा चारों तरफ से आग लगा दे, जब मर गया वो बेटा वो फीस्ट कर रहा है आज दुश्मन को मार दी, समझ रहे, और उधर कृष्ण वहां से कूद के डायरेक्ट द्वारका पहुंच गया, 88 माइल ऊंचा था, इतना पर्वत से भगवान कूदे और पहुंच गए कहां, रुक्मणी जी का लेटर आने वाला। इधर क्या हुआ, अब ये लीला बताते बताते बोल रहे भगवान कब का होगा विवाह होगा, क्या होगा, भगवान भी गोविंद उपये मे कुरु द्वह भगवान ने क्या किया, भगवान अपी गोविंद भगवान ने भी क्या किया विवाह किया, उपये में भी विवाह किया, तो भगवान अपी क्यों बोल रहे, क्योंकि भगवान को भी इस दुनिया में यूजुअली विवाह करते हैं लोग, क्योंकि उनको अंदर से कुछ कमी फील होती, तो दे नीड अ पार्टनर, बट भगवान को ऐसी कोई जरूरत नहीं, फिर भी उन्होंने विवाह किया, क्यों, क्योंकि रुक्मणी जी की इच्छा थी, भगवान के जितने विवाह हुए क्योंकि भगवान को कोई इच्छा नहीं, लेकिन भगवान भक्तों की इच्छा का आदान प्रदान। इसके साथ पहला विवाह वेदर्भ की लड़की, उसका नाम था विस्मक की बेटिया, उसका नाम रुक्मणी था, बहुत ही सुंदर थी, समझ रहे, उसके साथ भगवान स्वयंवर में विवाह किया और सभी राजा प्रमथ थे तरसा राजा, सभी राजाओं को एकदम चीरते हुए, क्योंकि वो विवाह यज्ञ कब था, युद्ध के लिए ज्यादा तैयारी हुई,
सभाओं न्यूज में मिल गई थी इसका शादी में शायद कृष्ण आएगा, तो सब लोग अपना सेना लेके आए थे जरासंध शिशुपाल, और सबको चीरते हुए भगवान ने बीच से क्या किए बोल रहे हैं प्रवत्य तरसारंग्य, भगवान ने सभी राजाओं के बीच से चीरते हुए साल इत्यादि शिशुपाल सभी को ऐसे चीरते हुए एकदम जाके बीच से रुक्मणी को उठा के दम, जैसे गरुड़ जी एक बार देवताओं के बीच से अमृत उठा के ले आए, वैसे कौन भगवान ने किसके बीच से पूरा लेके आ गए, एक बार गरुड़ जी की माँ बिन्ता को श्राप था, वो एक बार उसकी सौत थी कद्रु, तो दोनों में कंपटीशन हो गया, कद्रु बोली ऐरावत जो घोड़ा था उच्च सुरा उसका पूछ जो है वो बोली काला है, बिन्ता बोली तो सफेद लग रहा है, नहीं काला है तो झगड़ा हो गया, बोले अगर तुम काला निकल तो हम तुम्हारे दास बन जाए दासी बन जाए, वो सफेद निकल तो हम दासी बन जाए, और उसने अपने सांपो नाम के जो बच्चे थे सांपो उनको बोला तुम लोग क्या करो पूछ पूछ में लटक जाओ, पूछ में लटक जाए तो पूछ कैसी लगेगी, समझ रहे आपका पूछ में अगर ऐसे अगर लपेट दिया कोई काला काला चीज तो कैसा लगेगा उसे, तो बोली देखो देखो काला है कि नहीं, काला ही लग रहा कल रात को सफेद क्यों लग रहा, बोले अब तो मैं दासी रहेगी, तो गरुड़ जी जन्म लिए तो बोले उसको भी दास की तरह लोग रैगिंग लेते थे कदरू के बच्चे लोग सांपो, गरुड़ जी मन हमारे दूध थप्पड़ माँ मन बोलते नहीं बेटा बोल दास है, माँ कुछ तो ऐसा क्या, तो फिर सोचे कद्रू से कुछ ट्रीटी किया जाए, कद्रू के पास गए या कुछ बताइए माता जी ऐसा हम लोग टॉर्चर होता है आप ही बताइए क्या करना है, तो उनको पता है गद्रू में हो सकती है, बोले गरुड़ जी बोले बेटा तुम क्या करो तुम अमृत लाके दे देगा तो हम तुमको मुक्त कर देंगे, तो देवताओं के पास इतनी शक्ति थी भगवान के पास ऐसी शक्ति थी, इसे जाए गरुड़ क्या लेके आए समझ रहे, और गरुड़ जी लेके आए थे अमृत मिल गया लेकिन पिए नहीं क्योंकि उनको माँ को मुक्त करा रहा था, और यह चीज भगवान ने देखी कि इसका इतना सुंदर लड़का है इसके अंदर लोभ नहीं है, कितना सेवा की भावना है, माँ सबको मुक्त करने के लिए अमृत खुद भी पी के भाग सकता है कि चलो हम मुक्त हो जाए, लेकिन नहीं, तो भगवान बोले आज से गरुड़ में तुमको अपना सारथी बनाता हूं हरि बोल, तो भगवान के निकट रहना है तो आपको लोभ छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ा उन जब से भगवान अपना पार्षद बना लिया ड्राइवर बना लिया किसको गरुड़, गरुड़ जी नाम ट्राई कर ले भगवान को, तो जो भी है इस प्रकार से गरुड़, तो यह कथा जब बताई किसने बता रहे कौन बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी बता रहे किसको परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज जब सुने तो बहुत खुश हो गए, बोले इस प्रकार शादी हो गई, बोले नहीं नहीं तो और डिटेल बताइए, समझ रहे पांच दिन से वो खाए पिए नहीं छठा दिन चल रहा है, लेकिन वो बोल रहे नहीं नहीं और सारी डिटेल बताइए, श्री राजो वाच नेक्स्ट लोक में जाइए 18 नंबर में, समझ रहे, तो श्री राजोपाच मतलब कौन से राजा परीक्षित महाराज, कौन से राजा परीक्षित महाराज, बोले कितने सुंदर श्लोक बोले देखिए परीक्षित महाराज बोल रहे हैं भगवान भीष्म का सूता रुक्मिणी मृचिराणना रुद्राक्षरेण विधानेन बोल रहे मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण ने किसकी बिटिया शादी की भीष्म की बिटिया से जिसका नाम था रुक्मिणी और उसका बहुत सुंदर चेहरा रुचि राणम और किस तरीके से शादी की राक्षस के विधान से सात तरह के विधान से शादी होती है गंधर्व विवाह राक्षस विवाह राक्षस का मतलब कोई फिक्स नहीं है लड़की को उठा के ले आना समझ रहे शादी चल रहा किसी और साथ उठा के ले आए उसको बोलते राक्षस विधान समझ रहे, तो भगवान ने राक्षस के विवाह विधान से किसको उठा के लाए समझ रहे ऐसा मैंने सुना है, कौन बोल रहे परिचित महाराज बोले देखिए मेरी और इच्छा है डिटेल में सुनने की भगवान श्रोतुम इच्छामि तो मेरी इच्छा है और डिटेल में बताइए कृष्णस्य अमित चेतसा सालवादी जित्वा कन्यामुपहर सुनाऊ कृष्ण बहुत तेजस्वी है उन्होंने कैसे जरासन को हराया मागध साल्व इत्यादि कैसे हराया क्योंकि वो तो एक श्लोक में बता दे कि भगवान ने स्वयंवर में उठा लिया जो ये सबको हरा उरा के उन्होंने नहीं नहीं थोड़ा बताया मैं भी सुनाऊ कथा को कि उन्होंने जरासन को भी हराया था साल को भी हराया था समझ रहे तो बोलते हैं ये कृष्ण कथा जो आप बता रहे बहुत अच्छी है नेक्स्ट बोलते ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य माधवी लोकमलाप श्रीवाण नित्य नूतना हे ब्राह्मण हे
सुखदेव गोस्वामी है जो कृष्ण कथा है बड़ी पुण्य है, मेरे हृदय पूरा साफ कर देती है, माधवी एकदम मधु के जैसे कैसी है। आप रसगुल्ला खाएंगे तो चबाना पड़ता है, हलवा भी खाएंगे तो, लेकिन मधु ऐसा है ना डालते के साथ कोई चबाने का जरूरत है। कृष्ण कथा इतनी मीठी आपको चबाने का जरूरत है, बस बैठिए डाइजेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, बैठिए सुनते रहिए इतनी अच्छी लगने लगेगा। कुछ करना पड़ता है क्या, आइए बैठिए सुनते सुनते आप क्या बन जाते हैं, कृष्ण कथा अंदर जाती है मधु के तरह कानों से जाती है। और इधर क्या होता है समझ रहे, मधु ऐसा होता है मधु से खाके होता है बेहोश हो जाता है पूरा नशा चढ़ जाता है। वैसे ही कथा सुनते सुनते आपको नशा चढ़ जाए क्या, फिर आप भी बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 राम। कृष्ण किसके तरह है ना, माधवी क्या बोल रहे हैं बोल रहे हैं ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्य माधवी लोक मलापन लोक की जितने प्रॉब्लम है कृष्ण कथा सुनाइए लोग सब प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए जितना भी झगड़ा वगड़ा होता है कृष्ण कथा सुनते उनका झगड़ा धीरे धीरे खत्म। लेकिन दुर्भाग्य बात है कि हम लोग भक्त बन जाते कृष्ण कथा नहीं सुनते, समझ रहे हैं, बस कृष्ण कथा सुनने का समय नहीं। प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी भागवत घर में इंस्टॉल करा देते लेकिन बोलते पढ़ लिए, हाँ पूरी पढ़ेंगे जरूर पढ़ेंगे एक दिन हम जरूर पढ़ेंगे गीता, हाँ पूरी पढ़ समझ रहे। बोला अरे गीता पढ़े क्या याद है, याद कुछ नहीं समझ रहे, याद कुछ तो याद कुछ हमको है नहीं। तो हम लोग कथा सुनते भी लेकिन कान में यहाँ क्या करते हैं, हम लोग एक ठो क्या करते हैं हिपी लगा देते तो डल के यहीं से गिर जाते। तो बोलते प्रभु जी रस नहीं आ रहा आपको इतना रस आता है, अरे भाई तुम कान में ठेपी लगा दिया समझ रहे, ठेपी समझते लगा दिए कि तो इधर डालते सब गिर जाता है। तो हम लोग कथा में मन को लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, तो मन को लगाएंगे तो कैसे होगा समझ रहे। कथा मन तो दे रखे किसको, पैसा कमाना है गाड़ी में जाना है ठीक है भगवान हरे कृष्णा ये हरे कृष्ण भगवान सबके सामने बताएंगे, आप तो जानते हैं अपनी दिल की बात समझ रहे। हमारा पैकेज अभी भगवान 6 डिजिट पे पहुंचाई तो 5 डिजिट कब तक रहेंगे भगवान, क्या आपकी भगवान पुस्तक कीजिए यार समझ रहे, 7 डिजिट पहुंचा देंगे तो भगवान आपको कौन डोरे सर देंगे समझ रहे। ऐसे तो हम लोग भक्त है समझ रहे। तो ये आपको माधवी क्या बनाना है, इसको मधुर है लेकिन कब साफ करेगी, जब आप घुसने देंगे तब ना। तो फिर ये देख के बहुत खुश हो जाते कौन सुखदेव गोस्वामी की, इसकी कितनी लालसा है कथा सुनने की, कथा सुनने की लालसा से आपका हृदय शुद्ध होना चालू समझ रहे। इसलिए कथा सुनना सबसे बड़ी सेवा है। तो परिचित सुखदेव गोस्वामी फिर डिटेल में बताया चालू करते, वेरी गुड मैं डिटेल में बताता हूँ। तो बताते भीष्मक राजा थे, विदर्भ के राजा थे, उनके 5 बेटे थे, पिछले बार बेटा का नाम डिटेल बताते बस 5 बेटे थे, कौन क्या नाम था उनका नाम बताते, बस सबसे बड़ा जो था एक नंबर का हरि बोल था रुक्मी समझ रहे, गाली वाली हम नहीं दे पाते इसलिए समझ रहे, उसका नाम था रुक्मी, हरि बोल मतलब समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज बोली समझ रहे, हरि बोल है समझ रहे, प्रभु जी की हरि बोल मतलब अच्छा वाला भी है बुरा वाला भी समझ रहे, हमारा हरि नाम जो सब कुछ कर देता है समझ रहे, अच्छा बुरा सब एक साथ समझ रहे। तो रुक्मी कैसा था, हरि बोल था समझ सकते हैं कैसा था, प्रभु जी बहुत अच्छा नाचते हरि बोल समझ रहे, हरि बोल है रुक्मी क्या था, हरि बोल था। तो रुक्मी कैसा था, बड़ा भाई लेके हरि बोल, उसका दूसरा भाई क्या था, उसका नाम था रुक्मरथ, एक रुक बाहू एक रुक केस एक रुक माली सब रुक मरुक रुक 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 सब एकदम स्मार्ट थे, एकदम गोल्डन एकदम चमकते एकदम लगता था स्मार्ट लड़के लोग। और उनकी बहन जो थी और भी सुंदर थी, उसका नाम था रुक्मणी, क्या नाम था। तो रुक्मणी जी उनका कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे आया, बहुत व्हाट्सएप में मैसेज मारी थी केमोना छे हमारी क्या खाए हो समझ रहे, ऐसा कुछ नहीं किया भाई रुक्मणी जी, आजकल के लड़के लड़की लोग सब समझ गुडू 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 करते समझ रहे। और फिर लव एट फर्स्ट साइड, फिर उसके बाद फाइट, फिर पता चलता प्रभु जी छोड़ के चली गई किसी और को, तो ये सब उल्टा पल्टा। देखिए रुक्मणी जी ने कैसे प्रेम डेवलप किया,
सोपशुत्यम कुंदस्या रूपवीर्य गुणस्या सुनती थी, क्या करती थी, शो उपनिषद मुकुंद, भगवान मुकुंद की कथाओं को सुनती थी। मुकुंद मतलब जो मुक्ति को भी नीचे गिरा देते हैं कि बेकार लगता है। भगवान जब भगवान की कथा सुनते हैं ना तो मुक्ति भी नहीं अच्छी लगती, भगवान इतनी अच्छे लगते हैं कि मुक्ति बेकार है, मुक्ति नहीं चाहिए। जो मुक्ति को भी कुत्सित करते हैं उनको बोलते हैं मुकुंद। क्या बोलते हैं? तो भगवान मुकुंद इतने सुंदर है, उनकी कथा कौन सुनने लगी? उनके रूप के बारे में सुनी, उनके वीर के बारे में सुनी कि वो कृष्ण ने 7 साल की उम्र में क्या उठा दिया? गोद उठा दिया। समझ रहे? 7 साल की उम्र में कृष्ण क्या उठा दिया? समझ रहे? भगवान के गुणों को सुनने लगी, कृष्ण इतने दयालु है। समझ रहे? उनके गुरु जी ने उनको शिक्षा दी तो गुरु जी को दक्षिणा दी। बोले गुरु जी क्या चाहिए? गुरु जी सोचे इतना बड़ा आदमी मांग रहा है, कृष्ण मांग रहा है, कुछ तो करना चाहिए। तो उन्होंने बोले मेरा बेटा मर गया, बड़ा आदमी बेटा बुला दो। कृष्ण में इतनी शक्ति थी, मरे बेटे को जिंदा करके ला। समझ रहे? बोले प्रभास में डूबा था, प्रभास में समुद्र में समुद्र दे दीजिए तो गुरु जी का बेटवा। बोले हम क्या करे, वो गुरु जी का बेटवा इधर नहीं, आपका गुरु जी का बेटा वो शंखा छूट लेके क्या था, भगवान उसको जाके मारे, उसका पेट फाड़े। समझ रहे? उधर भी नहीं मिला। समझ रहे? तो फिर भगवान यमराज जी के पास गए। यमराज जी गए तो यमराज पूरा तो आरती उरती किए। बोले आरती उरती का समझ, गुरु जी बचवा मांगे, जल्दी से बचवा, तो बोल लीजिए बचवा। फटाक से एक दिन में पूरा ट्रिप करके बोले गुरु जी, गुरु जी बोले बाबा जबरदस्त शिष्य गए, गुरु जी पूरा आशीर्वाद दिया। तो भगवान ऐसे मरा आदमी को जीवित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? और हम लोग ऐसे जीवित आदमी को मार देंगे, ऐसा वर्ड बोलते बेचारा जीवा मर जाता है, क्या बोल दिया। समझ रहे? ये हमारे भगवान, समझ रहे? तो भगवान ने ऐसी शक्ति इनको सुन के ना रुक्मणी क्या हो गई, क्या क्या अद्भुत शक्ति है भगवान में। समझ रहे? भगवान के गुणों को सुनती थी कि मुचकुंद ने इतनी सेवा की, वो भूल गए, भगवान भूले, भगवान कभी भूले नहीं। तो ये सब गुणों को सुनकर किससे सुनती थी? गृह आगत गियमाना, उसके घर में बहुत सारे संत आते थे, राजा की लड़की थी। और तो ये मत सोचिए आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, व्हाट्सएप फट से सब तो बेकार उल्टा पुल्टा न्यूज डालता है, रोज एक ही चीज डालता है, सीबीआई की न्यू रिपोर्ट, ये कुछ नया रिपोर्ट नहीं रहता है। समझ रहे? झूठ मूठा वीडियो में वही चीज जो 5 दिन से दिखा रहा है उसमें थोड़ा 1% न्यूज रहता है, बाकी सब, समझ रहे? सब मीडिया बेटे झूठे मूठे वही चीज रिपीट करते हैं। समझ रहे? मोटा मोटी 99% वही रहता है, लेकिन रिपोर्ट ऐसा बैनर ऐसा डालेगा कि मिल गया वो रिपोर्ट, मिल गया, अरे अभी तक कुछ नहीं मिला। और पहला दिन से लगता है रोज मैसेज में मिल गया, मिल गया, नहीं खोज, अरे नहीं खोज, कुछ तो नहीं हुआ अभी तक। समझ रहे हैं? ऐसा मारता है एडवर्टाइजमेंट, अरे मिल गया, जब फोटो 10 मिनट पर बात कर लेते हैं। समझ रहे? और 10 मिनट से मिलता क्या है? खोदा पाठ मिली चुहा, बिल्कुल चुहा भी नहीं मिलती। समझ रहे? हमारा समय बर्बाद होते रहता, मिलता कुछ इन्फॉर्मेशन, अरे कृष्ण का नाम सुनो, इतना आनंद, बार बार को न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या मिलेगी? और पुरानी इन्फॉर्मेशन भी ऐसे आपको हृदय को टच करने लगेगी। समझ रहे? ये कृष्ण का लाइव है। समझ रहे? हजारों बार लीला हमने सुनी, लेकिन फिर भी क्या लगता है, और उसको सुन के आप फ्रस्ट्रेशन में चल जाए, हुआ क्या? समझ रहे? तो रुक्मणी जी ने किससे सुना? बहुत सारे संत महात्मा घूमते थे, जैसे मैं कलकत्ता में जब आया, भक्तों के मुख से हरी कथा सुनी, जिनको भक्तों ने रिलीज करे, तो मैं गोविंद जी का दर्शन करा था। समझ रहे? माधव बहुत प्रणाम करते हुए एकदम नाच रहे, इतना सुंदर नाच रहे, क्या नाच रहे हैं, तो रियली भी खुश आदमी है। तो फिर हमारे दोस्त, समझ रहे? तो क्या होना चाहिए आपको? आपको सच्चे लोग जो भगवान को रिलीज कर रहे हैं उनका संग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उनका संग करना पड़ेगा। समझ रहे? कुछ भक्त इतना सुंदर जप करते हैं, समझ रहे? मैं अपनी तैयारी में देखता हूँ, जप इतना सुंदर करते हैं, आपको मन करेगा हमें भी जप करना चाहिए। समझ रहे? तो भक्ति आती कैसे? भक्तों का संग करके, जो भक्त लोग के हृदय से कृष्ण प्रेम, मतलब उनको भगवान को जो रिलीज करे उनका संग करना। नारद मुनि रिलीज करे थे, इसलिए तो अपना घर द्वार छोड़ के ढंडूरा पीट रहे, उनको थोड़ा पैसा कमाना था कि हमारा, इसलिए जितना भी न्यूज आता है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ रहे? अरे वीडियो के बीच में तुम बेटा उन लड़की को इंसाफ दे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो में 10 सेकंड जरूर इम्पास्ते डाल देता है, उसके इंसाफ दिलाने के लिए जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर ले। समझ रहे? उसको हर समय क्या है, कमर्शियलाइजेशन हो। लेकिन नारद मुनि ऐसा नहीं कि हमको सब्सक्रिप्शन दे दो, थोड़ा सुने नारद मुनि का, सब्सक्रिप्शन डाल दो,
नारद मुनि कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, जाके बताते अरे बैठो। एक बार प्रभुपाद जी समझे, एक रिपोर्टर टॉक शो किया, उसने प्रभुपाद जी को बुलाया, एक घंटे अफसो था, प्रभुपाद जी उसको कुछ समझाते बार बार काटते, वो इंटेलिजेंट था, प्रभुपाद जो बोलते थे बार बार वो समझाते, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन स्वामी जी ऐसा कैसे, ऐसा कैसे नहीं ऐसा है, और एक घंटे तो घुमाते रहा। तो उसके बाद लाइट ऑफ, ऊपर उसके बाद भी समझ आया स्वामी जी लाइट ऑफ खत्म हो गया, सो अब हम लोग फ्रेंड्स हैं, अभी आप कोई डिस्कशन नहीं, अब हो गया, अब आप क्यों समझा रहे मेरे को, बोलते उससे मेरे को क्या मतलब, तेरे को भक्त बनाना मेरे को। प्रोफाइल लाइट ऑफ हो गया, कोई नहीं देखा, बोले दुनिया से क्या मतलब, तेरे को भक्त बना। बोले प्रभुपाद जी मैं 5 मिनट समय, जब 5 मिनट बीता 10 मिनट में पूरा कंसेप्ट समझ गया था, मैं तो घुमा रहा हूँ, मुझे घुमाना है, मैं पैसे मिल रहे, बोले मुझे घुमाना वाला मतलब मेरे से भक्त बना रहा, बोले मैं पहले ही सीख चुका था, मैं माला कर लूंगा समझ रहे। तो ये देखिए प्रभुपाद जी को लाइट से मतलब, प्रभुपाद को क्या बनाया जाते थे कि बेटा तू भक्त बन, वो बेटा लाइट वो बुलाओ हम जीत गया, प्रभुपाद तू जीत गया क्या, मैं तेरे को हरा के छोड़ूंगा समझ। तो ऐसे भक्तों के मुख से सुनना पड़े, ऐसे भक्त है प्रभुपाद जी, उनका भगवान का तरीका है कृष्ण प्रेम, इसलिए जो प्रभुपाद जी पुस्तक को पढ़ेगा उसके अंदर कृष्ण प्रेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा कृष्ण प्रेम। लेकिन हम लोग पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ते तो सो जाते समझ रहे, हाथ में नहीं लाते, सब कुछ ले आते लेकिन प्रभुपाद बुक पढ़ी भी है प्रभु जी समझ रहे, हम डोनेशन भी देते हैं दूसरों को पढ़ते समझ रहे हैं, और हम पढ़ेंगे जरूर पढ़ेंगे, पैसा कमा लेंगे समझ रहे, ये हम लोग मूर्ख है, इतना सारा खजाना है लेकिन हम लोग प्रभुपाद रात रात जग भर के क्या किए, बुक लिखे, हम लोग पढ़ना ही चाहते, और बोलते प्रभु जी कब कृष्ण प्रेम आएगा, तुमको कभी नहीं आने वाला है कृष्ण प्रेम समझ रहे, तुमको कभी कृष्ण प्रेम आने वाला नहीं पागल आदमी समझ रहे। तो देखिए यहाँ पर रुक्मणी जी ने क्या सुना, भगवान की सुंदर लीलाओं को सुना, तो उन्होंने क्या माना, आश्रय लेंगे तो किसका, तब मेरे सद्य संपत्ति कि किसका आश्रय लेंगे, इसको अपना पति बनाए, पति मतलब सेंटर, हम लोग का सेंटर क्या है, कुछ भी होगा पैसा सेंटर समझ रहे। एक लड़के को मैं बात कर रहा था, शादी जी की बात कर रहा था उससे, तो मैं सोचा वर्किंग लड़की शादी की, क्यों आजकल पैसे का बड़ा किल्लत हो गया ना, बच्चे को पढ़ाने 15,000 फीस हो गया है, तो कैसे होगा समझ रहे हैं। तो उसका आश्रय क्या है, पैसा समझ रहे हैं, हम लोग किसको आश्रय बना दिए है, फिर बचवा भी मिलेगा वैसा ही समझ रहे हैं, पैसा तो बच्चा भी कैसा समझ रहे, आपका आश्रय पैसा तो बचवा आपको करवाएगा ना समझ रहे, आप बने बंदर पैसा कमाते रहेंगे, बचवा फिर सब पैसा उड़ाएगा, कमाइए कमाइए और फिर बचवा उड़ाइए उड़ाइए, और फिर बीच में इतना मेहनत करने को, तेरे ने तो कमाया, आपने मेरे लिए किया क्या, आपने मेरे लिए किया क्या, उसको हार्ट अटैक आ जाए, फिर हम मुझे माला वाला दीजिए, माला वाला दीजिए समझ रहे। अब माला पे उसको टेस्ट लेता है, उसका शरीर में इतना तो लोग बैक पेन को ये पेन खड़ा नहीं बैठा जाता है समझ रहे। तो इसीलिए पैसे का आश्रय से कुछ होता नहीं, बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे पास, वो जी हमारा बच्चा को सुधारिए, समझ संभाल नहीं पा रहे, पैसा खूब खर्चा कि नहीं बिचवा सुनता कैसे सुनेगा, आप समय नहीं बिताए समझ रहे, आपको पैसा दिए पैसा दीजिए, पैसा देते देखिए कैसा कैसा होगा, देखिए पैसा पैसा कैसा कैसा पैसा वैसा जैसा जैसा समझ रहे, पैसा पैसा समझ रहे, पैसा पैसा जैसा जैसा वैसा वैसा कैसा कैसा। और फिर हमारे पास आगे प्रभु कहा करे, आ जाए बाद में आ जाए, अभी पहले आ जाए तो बढ़िया, पहले से पढ़ लीजिए भागवत, आश्रय किसको बनाना है, भगवान कृष्ण, किसको बनाना है भगवान कृष्ण को, और रुक्मणी जी ने पहले ही कथा सुनी, किसको आश्रय बना लिया, कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसको पुकारेगी, वैसा किसको पुकारना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माला में हाथ
जैसे मैं भक्ति में जब नया नया था तो मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ, तो मेरा एक बार कुछ इंजेक्शन लगा रहा था मेरे को कुछ कांच उच गड़िया था, तो मैं इंजेक्शन लगा, तो मैं इंजेक्शन लगवाने गया, माला ले गया, हरी हरी इंजेक्शन बगल में आ गया, हरी की धारी गया, किसी हरी राम ले गया, और जब इंजेक्शन घोपा भगवान के संग राम ले गए, अच्छा हमारा आसक्ति भी किसमें है, हरी की धारी जब घोपा तो क्या निकला, देखिए अभी हमारा आसक्ति क्या है, मरेंगे तो क्या बाकी लोग मिल जाए, समझ रहे क्योंकि बस इंटेलिजेंट समझ रहे, हम माँ को भक्त बना समझ रहे, तो फिर हम कोई दिक्कत नहीं, भाई बोलेगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे। तो जो भी है आपको आसक्ति किसमें बनानी पड़ेगी, कृष्ण कथा सुननी पड़ेगी, तब आपको लगेगा हाँ आश्रय किसका लेना है, कृष्ण का, किसका आश्रय लेना है। तो उन्होंने कथा सुन के सोचा, तो कृष्ण का आप आश्रय किसे मदद करेंगे नहीं, करेंगे नहीं, अवश्य करेंगे, क्या करेंगे, इसलिए अगले श्लोक में बता रहे, जब रुक्मिणी ने सोचा मैं कृष्ण को अपना पति बनाऊंगी, तो कृष्ण भी सोचे मैं रुक्मिणी को आश्रय दूंगा। तम ताम बुद्धि लक्षण औदार्या, बुद्धि लक्षण औदार्या, रूप शीला गुणाश्रया, कृष्णस्य सद्य संभार्या, कृष्ण ही हम ही लोग कृष्ण का शरण ले रहे, कृष्ण भी हमें चाहते हैं, लेकिन कब, तो पापड़ मिलना पड़ेगा, फोकट में नहीं है। ताम बुद्धि लक्षण औदारी, रुक्मिणी की बुद्धि बहुत शुद्ध थी, उसके लक्षण गुण इतने सुंदर, उसके सील थे, व्यवहार था, समझ रहे, ये सब देख के कौन मोहित हो गए, कृष्ण बोले हाँ इसको मैं जरूर आश्रय। तो जब भगवान देखते हैं भक्तों के लक्षण, क्या क्या भक्तों के लक्षण होने चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, जो हो ठीक, किसी की निंदा क्यों, जो भक्त दूसरों की निंदा करते हैं उनका भक्ति में ज्यादा आगे, कोई हमारा पूरा करने वो कर रहा है क्या, भगवान करे, कौन कर रहा है, भगवान का भी तो हाथ है ना पीछे की, भगवान नहीं। तो जब हम भगवान के नियमों का पालन करते हैं, कोई भी भगवान का नाम ले, भगवान भक्तों की सेवा करें, जब उत्सुक रहते हैं भक्तों की सेवा करने के लिए, जब हम बात बुक पढ़ेंगे, जो भी आदेश दिया गया उसको हम करने लगते, क्या करते हैं अच्छे से, तो उसके रूप गुण देख के कौन आकर्षित हो गए, भगवान ने क्या सोचा, कृष्णम च सदृशिम भार्या, कृष्ण ने सोचा समुद्र बोध, उन्हें मन में आया कि मैं इसको भार्या मतलब इसको आश्रय दूंगा। तो जब आप अच्छे गुण कल्टिवेट करने लगेंगे, गुण कल्टिवेट करना इतना ईजी नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, जैसे मैं नया भक्त प्रैक्टिस करता जब चोट लग जाती थी तो माफ आ निकलेगा तो बोला नहीं, जब भी छोड़ने में थैंक यू कृष्णा बोलूंगा, क्या बोलूंगा, प्रैक्टिस साधन, मन तो गुस्सा आ रहा है लेकिन नहीं थैंक यू, मन से तो मन मारेगा दो मुका कृष्णा, हमको चोट लगा दिया, नहीं नहीं थैंक यू कृष्णा, अच्छा क्या अच्छा क्या अच्छा क्या, अरे हरी समझ रहे, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मन तो बोलेगा नहीं, मन बोलेगा नहीं सुबह नहीं उठेंगे, सुबह सुबह नहीं प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उठो आप उठेंगे, समझ रहे, नहीं सोएंगे एक बजे तो उठेंगे से चार बजे, फिर एक दिन उठेंगे फिर विकेट डाउन हो जाएगा चार दिन के लिए, बोले यार काम नहीं करता है, तो सुबह उठने ज्यादा इम्पोर्टेंट जल्दी सोना, समझ रहे, सोएंगे लेट हो बोलेंगे जल्दी उठेंगे, फिर एक दो दिन बाद जल्दी काम नहीं करता है, फिर दिन भर ऑफिस में नींद आ रही थी, अरे क्या क्या पहुंची फंसा दिया, क्या उल्टा पुलटा आदेश देते, अरे पगलवा पहले दूसरा आदेश भी था जल्दी सोने का, वो सुना नहीं, सिर्फ सुबह उठा अरे उड़ो मत पहले बेसिक 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 जल्दी सोइए, समझ रहे, जल्दी उठे समझ रहे, कथा सुनिए, तो आप जब बेसिक नहीं करेंगे फिर बोलेंगे अप्लाई करेंगे, माला पढ़ा देंगे और कथा सुनते ही तो कथा मल माला मन कहां से लेंगे। तो इसलिए आदमी को गाइडेंस चाहिए, क्या जी रुक्मिणी जी इतने सुंदर गुण उसको अप्लाई करके ला रही थी कि भगवान के मन में भी आ गया, हाँ किसको स्वीकार करेंगे, अब आप अगर चाहेंगे भगवान को प्राप्त करें, नहीं भगवान नहीं चाहेंगे तो होगा, कोई सोचा मोदी जी नहीं चाहेंगे तो आप मिल पाएंगे, आप चाहे मोदी से मिलेंगे, मोदी जी मिलेंगे नहीं चाहेंगे तो क्यों मिल पाएंगे आप, लेकिन मोदी जी की इच्छा होगी, आपकी इच्छा मोदी की इच्छा तब कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आपकी इच्छा आप भी अच्छा क्वालिटी परफॉर्म करें, आप भी टॉपर ही है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें, और मोदी जी की इच्छा हाँ इसे मिलना है और आपकी भी इच्छा तब कुछ प्रॉब्लम होगी, हाँ होगी प्रॉब्लम, तब क्या हो जाएगा, एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए भागवत अगले श्लोक में आना पड़ेगा आपको, अभी तो प्रॉब्लम चालू हुई,
रुक्मणी जी बोल दी यस, कृष्णा जी बोल दी यस, लेकिन अब विलेन आएगा पिक्चर में, क्या आएगा यस, समझ रहे आप? अब यही हम लोग भक्ति में गलत हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है कि अरे मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ कृष्ण के लिए, मैंने इतनी कथा भी सुन ली, मैं सुबह उठ जाता हूँ, सोलह माला करता हूँ, मैं प्याज लहसुन खाना भी छोड़ दिया, अरे बाजार का खाना छोड़, वो पानी पूरी छोड़ दी मैंने, कैन यू इमेजिन एग्जिस्टेंस विदाउट पानी पूरी, समझ रहे भगवान के लिए मैंने क्या नहीं छोड़ा, समझ रहे मैंने क्या क्या छोड़ा है भगवान के लिए, समझ रहे मैंने फ्रेंड छोड़ दी, ये वो कितना कुछ किया, अब तो सब कुछ सिंपल हो जाएगा, नहीं अब तो प्रॉब्लम चालू होगी, क्या होगी, बस अब तो हम सोचेंगे भगवान आगे ले जाएंगे, हाँ कृष्ण देख लो थोड़ा, ऐसा नहीं है, ऐसा सिंपल नहीं है, भगवान बोले अगले श्लोक क्या बोल रहे, देखिए सब कुछ रुक्मणी जी ने बहुत मेहनत की, कृष्णा ने बहुत मेहनत की, दोनों का फिक्स हो गया है, लेकिन बीच में आ गया कौन, विलेन, कौन आ गया, पूरी मूवी है ना विलेन, मेरा मजा आएगा, समझ रहे, तो हम लोग थ्योरेटिकली जानते हैं, लेकिन जीवन में जो प्रॉब्लम आती है तो बोलते कृष्णा भगवान सुनते नहीं, अरे सुन रहे बाबा, समझ रहे बंधुनाम इच्छताम दातु कृष्णाय भगनिम निप ततो निवार्य कृष्णद्वि रुक्मी चेतम अमन्यत, तो रुक्मणी इज फिट फॉर कृष्णा, कृष्णा इज फिट फॉर रुक्मणी, सब कुछ बात बन गई है, लेकिन अब क्या आएगा मूवी में एडवेंचर, अभी बड़ा भाई बोलता है ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती, हम लोग सोच रहे हैं मैं हरे कृष्णा करूंगा ये करूंगा, घर वाले बोलते हैं प्याज लहसुन बनेगा बाबा जी नहीं बनेगा, ज्यादा भक्ति मत करो, ये हमारा भी घर है, अरे नहीं प्याज लहसुन नहीं खाना जी, ज्यादा ज्ञान मत दो, हाँ हम लोग कम ज्ञान वाले क्या, ज्यादा हीरो बनता है, समझ रहे, तो इस प्रकार से मौसी जी भी आ गई, तो इस प्रकार से हम देखते हैं रुक्मिणी बोला नहीं ये शादी नहीं हो सकती, शादी वैसे हम लोग सोचते हैं कृष्ण मैं आपका माला कर लिया सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बोलते नहीं, तो जीवन में आप भक्ति में अनुकूल बनना चाहेंगे लेकिन भगवान मानेंगे, भगवान तो मान जाएंगे लेकिन ये मत सोचिए भगवान मान के सब प्रॉब्लम सॉल्व है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रुक्मी जीवन में, अब रुक्मी आना अच्छा ही खराब है, बताइए आप लोग रुक्मी आना अच्छा ही खराब है, समझ रहे रुक्मी आना अच्छा ही खराब, खराब लग रहा है, यस क्या लग रहा है आपको, अच्छा लग, कैसे बताएगा भगवान का, कैसे भगवान से दूर चला गया, खुशी तो थे भगवान तो डायरेक्ट मिल जाएंगे, तो रुक्मिणी रुक्मिणी नहीं आता, रुक्मिणी आता डायरेक्ट उसके शादी हो जाता, बहुत अच्छा हो जाता, तो भगवान जान बुझे किसको भेजते, रुक्मिणी को भेजते, क्यों, जैसे आप जब दौड़ते तो बीच में क्या आती है, हर्डल आती, क्या आती है, तो हर्डल आने से क्या होता है आपका और अटेंशन बढ़ जाता है, आप पूरा और एनर्जी लगा देते, वैसे जीवन में भगवान प्रॉब्लम देते ताकि हम और भगवान का आश्रय ले सके, समझ रहे, और ज्यादा से हम लोग पूरे निर्भर, समझ रहे, जब हर्डल आता तो आप और पूरा एनर्जी लगाते, तो इसीलिए भगवान जी हमें कुछ प्रॉब्लम देता कि हम और अपने जो सुप्त भक्ति है, समझ, जब सब कुछ ठीक चलेगा तो हम जब पे सो जाएंगे, अरे कृष्ण आप तो अपने समझ रहे, अब तो बात बनी गई, शादी फिक्स हुई है, अब क्या है, अब तो टेंशन नहीं, अब तो हो ही है, जब तक शादी फिक्स नहीं होती तब तक क्या कब हो जाएगा, हमेशा एक टेंशन, इसे भगवान क्या कहते हैं बीच में ऑब्स्टिकल दे रहे, क्या कहते हैं वो ऑब्स्टिकल हमारी जो कठिनाई है बाधाएं, क्या करते हैं हमारे भक्ति को सुप्त भक्ति को बाहर लाने में मदद, समझ रहे आप लोग, तो इसलिए वो रुक्मी क्या है देखने में खराब है लेकिन वो भक्ति पॉइंट से हेल्प कर, इसलिए जीवन में आप जितने भी कृष्ण भक्त हैं समझ रहे चैंट हरे कृष्ण एंड बी कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला, समझ रहे ये मूवमेंट है चैंट हरे कृष्ण एंड क्राई ये मूवमेंट किस लिए क्राइम के लिए, किसके लिए है क्योंकि जीवन में आपको क्राई कर, उसके बाद गोलोक जाते सब बोलेगा हैप्पी हैप्पी जा जा, इधर कोई हैप्पी नहीं हुआ, समझ रहे जो समझ गया कि भगवान कृष्ण लीला करे वो थोड़ा सा हैप्पी रहेगा,
ये तो अपने आदमी बेटा हीरो बन रहा है, कोई बात नहीं हम भी जम मारेंगे। जो कठिनाई को कृष्ण की कृपा देके मानता हुआ एक्सटसी में रहता है, वो आनंद में रहता है, डपरा आदमी मेहनत। तो कठिनाई को समझना चाहिए क्या है, आएगी कठिनाई भक्ति मार्ग में आएगी। कठिनाई नहीं चाहिए तो शिव जी का भक्ति कीजिए, समझ रहे, बहुत पैसा मिलेगा, समझ रहे ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। ये वृंदावन में कभी कभी शांति से पूछो, रोज एक थोड़ा दादा आता था, दो चार बात आता, समझ रहे। तो आप गलती आदमी का भक्ति, जितने लोग आनंद चाहिए भक्ति, आनंद चाहिए, वो गलत मार्ग में आ गए। शांति जिसको चाहिए गलत जगह आ गए, यहाँ शांति नहीं मिलने वाली आपको, क्योंकि शांति चाहिए, शांति चाहिए तो गलत जगह पे आ गए। जय शिव जी की पैसे, समझ रहे, इधर आपको शांति नहीं, ये एक नंबर का टेढ़ा मेढ़ा है, समझ रहे, नाम भी इसका टेढ़ा मेढ़ा, समझ रहे। पिन जैसे घुसता है ना सीधा तो निकल जाएगा, लेकिन जब टेढ़ा मेढ़ा घुस गया ना, और ये सब घुसता है ना, देख रहे हमको पता है बड़ा परेशानी, छोड़ नहीं पाते, समझ रहे। इतना परेशानी हमारे जीवन में, लेकिन तो छोड़ दो, क्या इतना परेशानी सहता है, काम कर फंस। इसलिए आप लोग पूरा फंसे थे, आप लोग अभी बच सकते, समझ रहे, बता रहे हैं, बड़ा खतरनाक फंसे, समझ रहे, अभी भी आप लोग भाग सकते, पूरा फंसे थे, अभी दिख रहे आप लोग, अभी भौतिक इच्छा है, समझ रहे, लेकिन थोड़ा दिन बाद ये बेटा इतना खतरनाक, सब इच्छा को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके, ईश्वर टेढ़ा मेढ़ा कर पूरा अंदर घुस जाएगा, फिर आप लोग रोते रहेंगे, समझ रहे। इसलिए हमको मत बोले, पहले बता दी, जी बहुत बात नहीं बताएंगे, नहीं नहीं हम बता दे रहे पहले ही, ये ईचा आपको टेढ़ा मेढ़ा करके परेशान कर देगा जीवन में, समझ रहे। आप सोचेंगे बहुत पैसा कमाएगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर पैसा बिना रहा नहीं जाएगा, पैसे संग तेरे बिन रहा ना जाए, तेरे संग ऐसा कर देता है, जो जो आपकी इच्छा, समझ रहे, कि हम लड़की पटाएंगे, हम लड़का पटाएंगे, ये लड़की कितनी अच्छी लड़की, वही आपको ईसा मारेगा छुड़ा, किसको बोले, बोल भी नहीं सकते, समझ रहे। ऐसा खतरनाक आदमी बोले ले 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 तुझको चाहिए तो ले लो, ले 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 लो, चाहिए यार, हो गया यार, समझ रहे। ये ऐसा ही खतरनाक था, समझ रहे, टेढ़ा घुसता पूरा इससे, देखो टेढ़ा मेढ़ा पूरा, देखो फोटो टूटी, देखो किसका क्या है, टेढ़े मेढ़े पूरा एकदम क्या है, समझ रहे। इसे भजन भी आता है, ओ मेरे बांके बिहारी ला, ओ मेरे माँ के बिहारी ला, तो इतना आखरी दिंदा नजर तो भगवान पहले बता देते, समझ रहे, ये आदमी फंसेगा मां, समझ रहे, कृष्ण में फंसेगा, फंसेगा तो आपका पूरा हरि बोल हो जाएगा। शांति जिसको चाहिए गलत जगह पे आके, समझ रहे, शांति तो मिल, ब्रज में कभी शांति रहा ही, रोज कुछ ना कुछ हमें वृंदावन में जितना दिन कृष्ण रहा, रोज कुछ ना कुछ दाना आया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। इसलिए जितना दिन कृष्ण भक्ति में रहेंगे प्रॉब्लम, जन्म के समय बोल देते गर्गाचार्य, ये लड़कवा जो है ना बहुत प्रॉब्लम आएगा, 10.8.20 में बोल रहे थे वो, कि जब तक रहेगा तब तक क्या आएगा वृंदावन में, लेकिन बोले लेकिन जो इसका आश्रय लेगा उसका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे, बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जो बोलेगा हरे कृष्ण लेगा तो खुश रहेगा, समझ रहे। इसलिए बिना कठिनाई आती, लेकिन सब क्या करते हैं, पुकारते हैं कृष्ण, और कृष्ण तो गोद उठा लेते हैं। आई थी ऐसी खतरनाक बारिश, साइक्लोन का बाप थी, अम्फान तम्फान बम्फान, यागी भागी भागी, क्या क्या आया था पता नहीं, एकदम समझ रहे, पूरा एकदम उड़ाइए दिया, लेकिन भगवान जैसे बोले टेंशन मैं हूं, तुम साथ हो जो मेरे,
किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, तुम चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और सोचेगा तूफान आंधी नहीं आए, लेकिन कृष्णा की रक्षा भी करेगी, समझ रहे, 100% गारंटी, इंश्योरेंस पॉलिसी गारंटी, समझ रहे। इधर तो इंश्योरेंस निकालने में पता नहीं सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन कृष्णा की इंश्योरेंस पॉलिसी 100% है। क्या भगवान बोले, अनन्य चिंतन, क्या पॉलिसी इंश्योरेंस क्या देना है, रोज 16 माला करते रहिए, क्या करते रहिए, रोज जो डालेगा 16 माला, समझ रहे, जैसे हेल्थ स्टार इंश्योरेंस, तो हमने तो आज तक इंश्योरेंस दिया नहीं, समझ रहे, एक इंश्योरेंस दिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम राम, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, बस हमारे साथ बोला जाता है हेल्प करने के लिए, समझ रहे। और हमारा सबसे बेस्ट इंश्योरेंस है, आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, समझ रहे। केवल प्रीमियम रोज कितना है, हर महीने हर दिन देना है, सब 2 घंटे से 16 माला, ज्यादा देंगे तो ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। भगवान प्रॉमिस करे, जो मैं मत चित्त सर्व दुर्गाणाम पद प्रसाद, वहां बोल तेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आएगा मैं सर, मैं क्या करूंगा, तो जो कृष्ण को अपना बनाएगा 24 घंटा कृष्ण के अनुसार काम करेंगे, कृष्ण को पसंद नहीं 5 मिनट तो नहीं पाए, समझ रहे, घर में बनाए खाएंगे, मेहनत कर लेंगे, नहीं बाजार का नहीं, समझ रहे। तो जो भी है आपको क्या करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, और देंगे तो क्या मिलेगा आपको, कृष्ण बोलते, गोपाल जी बोलते, कृष्णा बिकम्स योर फ्रेंड, कृष्णा बिकम, जो कृष्ण में मन लगाते कृष्ण उसके क्या बन जाते, फ्रेंड बन जाते, क्या बन जाते, कृष्णा बोलते, परपोर्ट में लिखा हुआ कृष्णा बिकम्स हिज फ्रेंड एंड कृष्णा ऑलवेज थिंक्स अबाउट द कंफर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, कृष्णा हमेशा सोचते मेरे दोस्त को क्या करें, इसलिए आप भक्त जब बन जाओगे हमेशा कृष्ण के बारे में सोचोगे, तो कृष्ण क्या में ऐसा भाव किसके अंदर, हरिदास ठाकुर के अंदर, किसके अंदर, तो चैतन्य चैतन्य आता है एक दिन, तो वो हरिदास से मिला, एक दिन महाप्रभु किससे मिले, देखो दीनो प्रभु हरिदास, पूछ रहे थे भगवान से, वार्ता करने लगे और हरिदास ठाकुर के सामने महाप्रभु रोने लगे, देखिए भगवान रो रहे किसके सामने, हम लोग भगवान के सामने आते रोते, भगवान भगवान वो प्रॉब्लम प्रदान कर दिया, अरे क्या करेगा, हरिदास ठाकुर महाप्रभु जा रहे, महाप्रभु बोले हरिदास होली का ले जो बना, हरिदास कोली काले जवन अपार, हरिदास कोली काले जवन अपार, कोली काले सब लोग यमन हो गए, सब बाजार में खा रहे, समझ रहे,
घर का चीज नहीं खाते, क्या खाते? किट कैट, हैव अ ब्रेक, समझ रहे? पूरा शरीर ब्रेक कर लेगा ये पागल, समझ रहे? क्या खाते? चॉकलेट फॉकलेट मॉकलेट क्या क्या खाते? मारे फाइव स्टार, तो माया पूरा स्टार निकाल देगा तेरा, समझ रहे? क्या खाते ये सब गंदी गंदी चीजें, समझ रहे? समझ रहे? तो ये हालत है, समझ रहे? तो कलयुग के लोग उल्टी पुल्टी चीजें खाते। तो भगवान बोले यमन लोग, क्या यमन लोग क्या करते बाजार में खाते? क्या करते? संस्कृति खराब। पहले के लोग कभी बाजार में नहीं खाते थे, हमने अपने परिवार को भी देखा घर से बना के ले जाए। आजकल के लोग बाजार में टोमेटो टमाटो क्या क्या ऑर्डर है पता नहीं, क्या बुद्धि है पता नहीं, समझ रहे? पिज्जा, एक लड़का मैगी खाता था, डॉक्टर था, बड़ा डॉक्टर था, लेकिन वो क्या करता था? वो तो कौन कुकिंग करेगा, मैगी का मसाला बड़ा अच्छा, मैगी बना खा गया। छह महीने बाद उसको क्या हो गया? इंटेस्टाइन में कैंसर हो गया, डॉक्टर को भी कैंसर हो गया, उसको ये इंटेस्टाइन ही खराब हो गया। तो फिर उसको इधर से दूसरी तरफ से सीज करके इधर से फिर उसको नाली निकालना है, समझ रहे? तो कीजिए आप मजा, तो बाद में मिलेगी सजा, समझ रहे? तो देखिए भगवान के नियम का पालन नहीं करते हैं यमन लोग। क्या है यमन? मतलब भगवान के नियम पालन, भगवान बोलते रहे नहीं, समझ रहे? तो यमन कली काले, कलकत्ता में तो सब यमन भरे हैं, समझ रहे? कली काले, हम जब आईबीएम में काम करते थे रस्ते जाते थे तो हम तो प्रसाद लेके जाते थे और देखते थे यहीं पर बस पकड़ते थे यहाँ से, समझ रहे? वेट करते थे कौन सी बस आ रही है, 234 या जो भी, समझ रहे? और लोग वेट उधर दुकान था खाने का और खड़ा हुआ खाते और उधर ही बना दिया पटरा खड़ा हुआ खाने का और उधर हाँ ये 30 रुपए में दो रोटी और थोड़ा छोला, पता तो बस आता कौन सा है 230 बने ये नहीं मेरा 225, समझ? तो फिर वो वेट करता है, समझ? खाते रहता है, देखते रहता है क्या है, पा 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 खा भी रहा है, आ गया बस, बस में जगा ली और चढ़ता है, फिर लेट हो जाएगा, पंचिंग लेट हो जाएगा तो पैसा खाट लेगा, चलो चढ़ो, ये हालत, समझ रहे? यमनों की क्या हालत, क्या हालत बनाई, जानवर भी कुत्ता को भी बोलेगा तुमको इस बस में चढ़ेगा? कुत्ता ही बोलेगा हम इतने गिरे गुते नहीं, हम लोग भी मतलब वी हैव आवर टाइम फैमिली टाइम, समझ रहे? इट्स टू मच, समझ रहे? होल लिटिल बस में जा रहा है, भूखा रह जाए उपवास कर लेंगे काते कर लेंगे, ये इससे नहीं करेंगे, तो टू मच, ये 50-60 हजार रुपए इतना, इट्स टू मच। तो ये हालत है सेवनों की, क्या हालत बनाए और सोचते वी आर हैप्पियर, पागल। तो देखिए कली काले हरिदास यमुन का सवार हेतु ना देखे दुखा पार, मैं इनका कोई उद्धार का उपाय नहीं देखे दूर हो जाए, इनका कोई उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास बोलते मां को चिंता मत कर, हरिदास कहे प्रभु चिंता ना करी, हरिदास कहे प्रभु चिंता ना करी। हम लोग भगवान का जाए भगवान का ये प्रॉब्लम है, भगवान में चिंता मत, मैं हूं, लेकिन हरिदास ठाकुर के पास महापू गए, बोले मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, दोनों कैसे उधार हुआ, ऐसा पाप करे कैसे लोग प्रचार करे, समझ रहे? हरिदास चिंतक मैं हूं ना, आई विल गो एंड प्रीच, मैं जाऊंगा, समझ रहे? हम लोग जब 2006 में प्रभु जी को मेरा याद है, हम लोग जाते थे बस में जाते थे हम लोग, समझ रहे? जादवपुर कॉलेज, वहां की स्थिति बड़ी खराब थी, समझ रहे? तो हम लोग बोलते थे हम लोग पार्टी का नाम राधा दामोदर पार्टी है, सब लोग समझ रहे? तो भक्त लोग क्या करते हैं, वो सेक्रीफाइस करते हैं, समझ रहे? इसलिए दूसरों का कल्याण करने का, देखा प्रभु जी इतना सेट इतना इजी था, हेल्थ प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, रात को जाना बस से, बाप रे बाप कैंपस कितना दूर, हालत बंजर हो जाते, इतने सालों ने तपस्या की, इतना सेक्रीफाइस किया। तो हरिदास ठाकुर ने बोला टेंशन मत लिए भगवान, मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं भगवान? हरिदास को है प्रभु चिंता ना, समझ रहे? हम प्रचार करेंगे। तो महाप्रभु बहुत खुश हो, समझ रहे? इतने खुश हो गए महाप्रभु, बोले वाह। तो जो व्यक्ति भगवान की इच्छा पूरी करता है फिर अंत में भगवान स्वयं आए, एंड ऑफ द लाइफ, हरिदास को अपने गोदी में ले लिया। हरिदास ठाकुर भगवान का सुंदर मुखा देख रहे थे, समझ रहे? इन आंखों में क्या बसा लिए भगवान के सुंदर रूप को, समझ रहे? और चरण को कहां धर लिए, अपने छाती में, समझ रहे? मुख से बोले श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य,
चिल्लाते चिल्लाते वो अपना भगवत धाम चले गए महापुर गोदी में, समझ रहे हैं। तो महापुर पागल हो जाते हैं, महापुर को अपने हाथ से लेके जाते हैं गंगा में यमुना पुरी में स्नान कराते हैं, समुद्र बोलते आज से पुरी का जो समुद्र तीर्थ हो गया हरि। महापुर से अपने हाथों से पिंडा बनाते हैं और फिर उनको बाजार में जाते हैं भीख मांगते, पहली बार महापुर अपना ऐसे आंचल करके बोलते मुझे डोनेशन दो मुझे, तो सब लोग बोला दुकान ले ली, बहुत दुकानें ले रुको सब दे दिया, तो उठा के हमको ले जाना, इनको थोड़ी ले जाना है, समझ रहे हैं, तो ले जाए बाटे कौन ले जाए कौन, सब लोग खा जाओ ज्यादा नहीं, समझ रहे। अब सब लोग देने रेडी हो गया, वहाँ सबको वो हाथे अल्पना से एकदम पाँच पाँच आदमी को प्रसाद पड़ो थी और कोई खा नहीं रहा, बापू नहीं खा, बापू बिठाएगा हम देख लेंगे, देख बापू सबको बोले और दो सबको पाँच पाँच आदमी एकदम अखंड प्रसाद खिलाया हरि को, बापू ने आशीर्वाद दिया। आज के दिन जिसने भी हरिदास ठाकुर की महिमा इस उत्सव में बांट लिया, जिसने भी कुछ प्रसाद ग्रहण किया, जिसने भी केवल यहाँ पर भाग लिया, बालू दे दिया, कोई कीर्तन में भाग लिया, कोई किसी प्रकार से प्रसाद, सबको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। देखिए भगवान को जब जीवन में इतना आसान नहीं गया हरिदास ठाकुर का, प्रचार करने में जान निकल गया है, हाँ प्रचार कर रहे हैं वही लोग उसको कोड़ा से पिटवा रहा है, समझ रहे हैं, मुस्लिम लोग पूरा एकदम काजी एकदम अगेंस्ट हो गया इसको मारो, लेकिन प्रॉब्लम आया काजी हरिदास ठाकुर, प्रॉब्लम नहीं आया, आया कि नहीं आया, समझ रहे हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर बोलते थे कृष्णा कृष्णा, भगवान पूरा गुस्सा हो गए, भगवान का नाम तो भगवान से मिले, भगवान गोलोक से आ गए एकदम चक्र लेके, क्या किया तुम मेरा भक्त के साथ, गला काट देंगे। हरिदास बोले भगवान समझ रहे, तो भगवान मार भी नहीं सकते, बोले मैंने कुछ भी नहीं करते कुछ छोड़ दी, अब भगवान चक्र चलाए चक्र छूट गया, तो बोले पुण्य इसको कैसे मार दे, हरिदास ठाकुर अपना पुण्य दे दिए, भगवान मार नहीं पा रहे, उधर उसको चोट लग रही है, भगवान से रहा नहीं गया, भगवान स्वयं आके उनके शरीर पे लेट गए, और जब महाप्रकाश लिया जो चोट लगी थी किसको लगी थी, और वहां पर अपना शरीर दिखा पूरा वहां पर क्या लगी हुई थी, तो भगवान जब आप भगवान के लिए जीवन दिए तो भगवान भी आपके लिए आदान प्रदान, समझ रहे, तो भक्त को ऐसा बनना चाहिए। तो रुक्मणी जी का भी ऐसा भाव था, भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए वो रेडी थी, समझ रहे, तो रुक्मणी जी का ऐसा प्रेम था। रुक्मी ने बोला कि नहीं तुम्हारा तो शादी किससे होगा, इससे नहीं होगा, कृष्ण छोड़ के सबसे कर देंगे, और बेस्ट आदमी है कि लिस्ट में जो कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन वो सिस्टम, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ कृष्ण, दैट्स व्हाई बेस्ट, उसका क्वालिफिकेशन क्या, अब कृष्ण के इतने अच्छे गुण नहीं देख रहा, बोलते कृष्णा शादी करेगी, लंपट भट, अरे वो तो हमारा भी हमारा तो दोस्त हुआ था जरासन जी, ऐसा पीटा भाग गया डर के मारे, तो 17 बार पिटाया था वो नहीं बुला, समझ रहे, भाग गया दम, समझ रहे, और समुद्र में छुपा है, देखो इसको कहां छुपा है, समुद्र में जाकर छुपा है, उससे शादी करेगा, इतना सुंदर 9 लाख महल बनाए, डिटेल में रिसर्च नहीं करता है बस अपना, इसलिए इंटरनेट में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बस कुछ भी किसी के बारे में डाल देगा कुछ भी, डिटेल में देखिए, डिटेल नहीं देखेगा बस कुछ भी डाल देगा आपका विश्वास, इसलिए सबसे बड़ी माया क्या, इंटरनेट बहुत डेंजरस है, तो किसी के बारे में कुछ भी डाल देगा, और हम लोग मान लेते, तो रुक्मी लेकिन रुक्मी जी बोली नहीं हम इंटरनेट में विश्वास नहीं करते, हम आपका एजेंसी में विश्वास, हमको नारद मुनि ने जो बोला हम वो विश्वास करते, उन्होंने नारद मुनि ने बोला था कृष्ण इतने अच्छे, तो उन्होंने बोला कुछ तो करना पड़ेगा भाई, बात तो हरी बोल कर दिया, उनको दुख हुआ क्या हुआ, समझ रहे, 26वां श्लोक बताया जब उनको ऐसा रोका गया, तुम समझ रहे, बहुत कृष्ण को दुख हुआ उनको, समझ रहे, तद अवेत्यासित पांगी वेदर भी दुर्मणा विष विचिन्तात्म द्वितम कश्चि कृष्णाय प्रायणो द्रुता, उसके दुर्मणा उसको बहुत बुरा लगा कि मेरा भाई ऐसा प्रॉब्लम क्यों, तो वैसे हमको जीवन में कुछ प्रॉब्लम आते बुरा लगता है, नो डाउट अपसेट हो जाते हैं, लेकिन रुक्मिणी ने क्या किया, ऐसा नहीं कि सो गई जाके हट बहुत हो गया, हम माला कर उसके बाद इतना प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ वो हमारा ब्लास्फेमी कर, हम आश्रम नहीं जाएंगे मध्य, नहीं रुक्मिणी को प्रॉब्लम आया, रुक्मिणी जी ऐसा नहीं कि सो गई, कह रहे कृष्णा कितना करे आपके लिए, पानी पूरी छोड़ दे उसके बाद जाओ, समझ रहे, हम मोबाइल में जो लड़की से कॉन्टेक्ट सब छोड़ दिया आपके लिए, उसके बाद व्यवसाय कर, माँ बाप से झगड़ा कर फिर भी व्यवसाय कर, वो बहुत हो गया आप सूत्र जाइए देख लीजिए, समझ रहे रुक्मिणी जैसा नहीं बोले सूत्र देख लीजिएगा जाइए, रुक्मिणी जी तुरंत क्या स्टेप्स ली, क्या ली, तो वैसे हमें भक्ति में स्टेप लेना चाहिए, अगर आपको कुछ काम वास्ता पेड करिए पेड, हमें कुछ स्टेप लेना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए, क्या करें भगवान की, क्या व्हाट कैन आई डू, क्या मैं कर सकता हूं, तो इस प्रकार से भक्तों को भक्ति में क्या होना चाहिए, बहुत
एक्टिव होना चाहिए। डॉक्यूमेंट तुरंत एक ब्राह्मण को भेजी, इसको भेजी कि आप चाहिए, मैं लेटर लिखे, और लेटर इतना सुंदर लिखी, फर्स्ट लव लेटर था हिस्ट्री का। क्या था ना हमारी हिस्ट्री में सब कुछ, हमारे रोमांस एक्शन सब है, समझ रहे, झूठ मूठ का आप लोग मूवी वूवी देखते सब, अरे इधर इतना सुंदर एकदम ब्यूटीफुल है, समझ रहे। तो प्रथम रूप लव लेटर लिखा, उसके लिए टाइम नहीं है, समझ रहे, टाइम बहुत हो गया है, समझ रहे, बहुत सुंदर लीला है, आप लोग उसे पढ़िए। अब इसके बाद रुक्मणी जी का क्या आएगा, लव लेटर आएगा, क्या आएगा, रुक्मणी जी बहुत बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। और ब्राह्मण जो लेके जाते हैं रुक्मणी जी का लेटर, वहां भगवान उनको एकदम सुंदर रूप में सुलाते, प्रसाद खिलाते, फिर उनको पांव दबाते, क्या दबाते हैं, तो अगर कोई भी दो जीवात्माओं को भगवान के निकट लाएगा तो भगवान क्या करेंगे, स्वयं उसका, तो जो भी प्रचार करते हैं, जो भी दुखी आत्माओं को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको भगवान ने उनका पांव दबाने की इच्छा, समझ रहे। तो इसीलिए जो इस दुनिया में प्रचार करते हैं वो प्रचार में मतलब कष्ट, हम देखते महाराम प्रभु को सब लोग भक्त लोग आप लोग सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, करना चाहिए, खुद भी भक्ति अच्छी करनी और दूसरों को भी हमें ऐड करने का प्रयास, और इससे भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाते हैं, समझ रहे। इससे जो भी मेहनत करता है, ठीक, आप अपनी अच्छी भक्ति कीजिए पहले, और ट्राई कीजिए दूसरों को भी, जाने देखे तारे कहो, अच्छे से भजन कीजिए, आस्वादन कीजिए कृष्ण कृपा का, और दूसरों को भी ऐड करने का प्रयास। ब्राह्मण को भगवान ने स्वयं उनको अपने हाथों से क्या दबाया, भागवत में लिखा हुआ है, भगवान ने उसका क्या दबाया, वैसे ही कोई भी आदमी अगर भगवान के मदद सेवा में मदद कर दूसरों को भगवान के निकट लाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, सुबह उन्हें अच्छी भक्ति करें और दूसरों को भी भगवान से जोड़े, और उसके बाद अब वो लेटर पढ़ना चालू करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है, तो बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही अद्भुत है, समझ रहे, बहुत ही सुंदर भागवत है। तो आज भागवत का आविर्भाव तिथि है, बहुत ही पुण्य तिथि है, समझ रहे। तो आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं अपनी भक्ति कर सकूं। किसी कुछ प्रश्न है, एक प्रश्न किसी का तो ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आज की क्लास से। आचार्य को कमेंट्री में लिखा हुआ इग्नोरेंस नहीं है वो, एक्चुअली इग्नोरेंस गुडनेस एंड पैशन तो तीनों लाइफ में रिक्वायर्ड है, समझ रहे। मान लीजिए रात को आप 9-10 बजे तक नहीं सो, चाहे घंटा नहीं सोगे तो फिर दिन भर इग्नोरेंस में रहो, समझ रहे। सो देयर इज रेगुलेटेड इग्नोरेंस फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, समझ रहे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ सोगे नहीं तो मतलब मैं नहीं सोऊंगा, तो फिर दिन में जब मैं सोऊंगा दिन में सोऊंगा। जैसे मैं कल रात को थोड़ा लेट हो गया सोने, प्रचार प्रोग्राम में गया था, आने में थोड़ा लेट हो गया मेरे को, तो प्रोग्राम के बाद तो मैं सोने में 10 बज गए, अब मैं उठ गया 2 बजे, समझ रहे। मैं सुबह तो मॉर्निंग में मैनेज कर लिया, उसका तो मेरे को नींद आने लगी, कल पूरा हैक्टिक था, समझ रहे। 5 घंटा मेरे को रेस्ट चाहिए, 4-1 घंटा कम मिला, फिर 12 घंटा दिन में सोया, तो फिर मैं यूजुअली दिन में नहीं सोता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने अपना शेड्यूल थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया, तो फिर मेरे को तो वो इग्नोर, मैं अगर आधा घंटा दिन में नहीं सोता उस समय, तो फिर मैं दिन में पूरा सो लिया 15-20 मिनट नैप, पावर नैप ले लिया, फिर मैं फिर फ्रेश हो गया, समझ रहे। तो इग्नोरेंस ऐसा नहीं, इग्नोरेंस स्लीप भी इज ए सर्विस, स्लीपिंग इज ऑल्सो अ, सोना भी एक सेवा है, ताकि आप फिर से बॉडी को नरिश, जैसे कंपनी में आप मशीन यूज करें तो आपको कुछ देर उसको रेस्ट देना पड़ेगा, रेस्ट नहीं दोगे तो फिर मशीन जल जाएगी, तो मशीन को रेस्ट देना को मेरा मशीन को इग्नोरेंस में डाल, रिक्वायर्ड इग्नोरेंस। तो इसलिए इग्नोरेंस गुडनेस और पैशन वाले हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजुअली वी आर इन गुडनेस, बट यूजुअली हम ट्राई करते हैं
जो भी चेंज करे कृष्ण के प्लेजर के लिए करे। कभी कभी हमको एक्टिव होना पड़ता है, यूजुअली मैं एक्टिव नहीं होता हूँ, दूसरों से काम करवाता हूँ, लेकिन कभी कोई नहीं करता हमको एक्टिव होना पड़ेगा। कोई नहीं तो कौन एक्टिव, मतलब कोई भी जूनियर नहीं, समझ रहे। तो आपको भी फ्रेंड पे कभी कभी कुछ गेस्ट आ गया, उनके लिए आपको घूमना पड़ेगा, प्रसाद अरेंज करना पड़ेगा। तो कभी कभी आपको देखना चाहिए कृष्ण के प्लेजर के लिए हम काम कर रहे हैं कि, समझ रहे। तो कृष्ण का प्लेजर ज्यादा बड़ा फैक्टर है। Does it make sense? Huh? Okay. कठिनाई बहुत आई, सेल्फ स्टेप सबसे बड़ा स्टेप क्या है, जो सेल्फ सबसे सेफेस्ट स्टेप श्रवण कीर्तन बढ़ाई। जब भी प्रॉब्लम हो क्या बढ़ाई, सेल्फ स्टेप में जाके उसको मर्डर कर दे, कोई हमको ब्लास्ट किया, आप श्रवण कीर्तन बढ़ाई सबसे पहले। उसके बाद श्रवण कीर्तन से गाइडेंस मिलेगा। अगर आप जेन्युइनली भगवान को प्लीज करना चाहते हैं, श्रवण कीर्तन भगवान आपको बताएंगे कि देखो ये गलती कर रहे हो, समझ रहे। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन कर सकते, साधु संग कर सकते, समझ रहे। और उसके बेसिस पे फिर आपको जो इंस्पिरेशन मिले, और फिर बेस्ट आप साधु संग के लिए गुरु गुरु हो तो और भी अच्छा, बेस्ट श्रवण कीर्तन, उससे भी ज्यादा स्पेशलाइजेशन साधु संग। तो हम जो श्रवण कीर्तन करें, हो सकता माया भी हमको माइंड माया के द्वारा भी प्रभावित हो जाए, तो कोई साधु संग कर लीजिए। तो साधु और गुरु में अंतर होता है। साधु जनरल गाइडेंस देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे आपको, दे देंगे आप करेंगे, गुरु और रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, समझ रहे। गुरु बोले ठीक है ये करो, और रिपोर्ट भी लेंगे आपसे। साधु के पास तो जनरल उतना आपको ट्रस्ट नहीं किसी के ऊपर, तो ठीक है आप साधु से गाइडेंस दीजिए, साधु पे डरो, आप भागवत से गाइडेंस लीजिए, आप श्रवण कीर्तन का आप उससे यार किसी को ट्रस्ट आ गया आपको थोड़ा, तो उसको साधु बना लीजिए, उससे पूछिए। लेकिन बेस्ट है आप प्रभुपाद बुक से पढ़िए, उससे आपको और कोई ट्रस्ट आ तो उस पर उससे भी पूछिए, वो ज्यादा स्पेशलाइज हो गया, समझ रहे। क्योंकि बहुत सालों की भक्ति तो आपसे ज्यादा स्पेशलाइज, और बढ़िया समझाएंगे। उससे भी ज्यादा ट्रस्ट है कोई एक आदमी को, उसको आप अपना ऑफिशियली मेंटर चूज कर लीजिए, तो वो आपको और ज्यादा थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते, समझ रहे। इन दैट वे आवर स्टेप्स आर नॉट जस्ट यू नो जस्ट ब्लाइंडली एग्जीक्यूटिंग सम स्टेप्स, इट शुड बी बेस्ड ऑन गाइडेंस ऑफ। और कभी कभी नहीं भी गाइडेंस मिल रहा तो प्रार्थना की गाइडेंस दे दी, और अब यू टेक सम स्टेप्स विद डिजायर टू प्लीज कृष्ण, और धीरे धीरे चीजें सेट हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे महाधाम विद्वान गुरु का, उनकी खुद की भक्ति इतनी सुंदर है, मेरे को तो उनके मुख से सुनना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया बोलने के लिए, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ लाइफ में, अभी भी सीख रहा हूँ। बहुत विनम्र है और बहुत ही उनका सिंसियर जपा है, और भगवान के लिए बहुत प्रेम करते हैं। उनका जन्म भी जन्माष्टमी के दिन हुआ, बहुत सारी चीजें, बहुत वीर नगर से हैं और बहुत ही सिंपल आर्ट में देखा उन्होंने, यूथ में चाहिए बहुत सालों से उन्होंने बहुत सिंसियरली डेवलप किया, बहुत मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत ऑनेस्ट है, वेरी कृष्णा कॉन्शियस, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट गुरु महाराज को कैसे खुश करें। एक समय मैं तो भी बहुत क्लोज रहा हूँ एक के साथ, बहुत सालों तक हम लोग मंदिर में यहाँ पर रहे, साथ साथ बहुत दिन प्रचार किए हैं। पहले तो मैं हल्दिया से रेगुलर आता था मंदिर, बहुत बार घंटों घंटे हम लोग बातें करते थे। मैं देखा हमेशा जितने भी लाइफ में देखे, कोई भी लाइफ में पता है प्रॉब्लम आएंगे, स्टेजेस आते हैं, लेकिन बहुत ऑनेस्ट रहे, कितने इनको भी कितना प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, कितना मिसअंडरस्टैंड किया गया, मैं खुद अपने आंखों से देखा हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत बहुत विनम्र रहे, सहते रहे, और कभी कंप्लेन नहीं की कृष्णा को। देखा उनके हेल्थ भी बहुत सब बहुत पूरी तरीके से, मैं कभी रात को 12 बजे तक वो जब करते थे, मतलब तो मैं पर्सनली देखा हूँ, बहुत वेरी हार्ड वर्क, वेरी ऑनेस्ट, इसलिए कृष्णा उनको स्पेशली स्पेशल ब्लेसिंग दे रहे हैं। सी वेरी हैप्पी टू सी सो वंडरफुल कम्युनिटी रेज बाय प्रभु, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, मैं कुछ अगर गलत बोला, मैं बहुत बार कुछ ऐसा बोल दिया आपको बुरा लगा होगा, तो कोई मैं तो मजाक में बोलता हूँ, तो हो सकता है आपको बुरा लग गया,
किसी को बुरा लग गया क्या समझ हमारा सुनो कुछ कर ले गया हमें कुछ कह गया आपसे कुछ लेना देना कोई कुछ कर भी नहीं सकता हमारा समझ रहे समझे हमारा बाप है जगन्नाथ समझ रहे जब जगन्नाथ बाप तो कहेगा अच्छा समझ रहे तो कोई टेंशन नहीं आप कुछ कर भी नहीं सकते समझ रहे तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे आपकी इच्छा हम तो बता दी समझ रहे तो अच्छा लगा तो अच्छी बात है बुरा लगा तो भी अच्छी बात है नहीं बुरा लगने की इच्छा नहीं है लेकिन तो फिर भी अगर कुछ गलती है ठीक है और अगर आप लोग खुश हैं तो मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ जप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है क्योंकि मैं देखता हूँ कोई भी प्रार्थना करता है उसका बहुत हेल्प होता है 100% हेल्प होता है समझ रहे तो आप लोग भी मेरे चाहे तो प्रार्थना कर सकते हैं आप लोग तो इतना क्लास दिया सब लोग खुश तो बोले हरी बो समझ कलकत्ता उधर से आने में मैं 200-500 किलोमीटर चलता हूँ हाईवे में पता नहीं चलता कलकत्ता आना पड़ा बस 10,000 गुना मरती है रियली इतना जाम था माथा खराब हो जाता है डर लगता है ठोकू दिया समझ रहे हो कलकत्ता का ट्रैफिक है इसे हमारा बिहार का गाड़ी डर लगता है क्या करे अब हम लोग बचेते रहते हैं हमेशा तो जो भी है तो कलकत्ता ढुकना मतलब लेकिन हम लोग आए हैं ताकि थोड़ा कृपा मिल सके तो आप लोग सब मिले अगर एक मंत्र भी रोज कर सकते हैं वेरी ग्रेटफुल कर सकते हैं आप लोग एक मंत्र एटलीस्ट मेरे लिए याद करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कितने एक मंत्र मेरे लिए कर सकते हैं रोज बोले हरि बोल ठीक है ना एक मंत्र भी करेंगे तो बहुत लाभ सो एक मंत्र का बहुत महिमा है समझ रहे हैं कर सकते हैं कि नहीं एक मंथ कितने लोग करेंगे एक मंथ थैंक यू वेरी मच समझ रहे हैं तो उतना ही दक्षिणा काफी उससे ज्यादा आप ज्यादा भी कर सकते हैं हम बहुत कम डिमांड करें एक तो मांग ही सकते ना एक मंथ 5 सेकंड तो दे सकते हैं आप हमारे लिए नहीं दे सकते हैं समझ रहे हैं अच्छा लगा ना कथा 5 सेकंड का घुस तो देना पड़ेगा समझ रहे हैं कुछ तो बख्शीश देना पड़ेगा समझ रहे हैं फोकट में हम कुछ काम नहीं करते बिजनेसमैन है ना समझ रहे हैं मारवाड़ी बैकग्राउंड से भाई समझ रहे हैं तो हम सब चीज में अपना जो बुद्धि लगाते हैं समझ रहे तो जब को आए दोपहर को बताया हम तो आए थे कुछ लोग से मिलने के लिए समझ रहे हैं कोई सबसे मिलने आए थे हम 2-4 लोग से बुलाए थे ज्यादा लोग को बुलाए थे समझ रहे कुछ लोग को बुलाए थे लेकिन फिर उन्होंने ऑफर दिया हमसे हाँ इधर ज्यादा कमाई हो जाएगा यार कमाई तो हम बोले कमाई हम लोग समझ रहे क्या बैकग्राउंड से है पैसा पैसा दिखता है हमको समझ तो हमसे काम अच्छा हो जाएगा इतने लोग आ जाएंगे तो इसलिए मौसा जी मौसी को बुला लिए बोलो आज नाना नानी बने हरी वो आज ही के दिन सुबह उनकी बेटी कलकत्ता में रहती है उनके साथ इधर हुआ है समझ रहे उनको कल बहुत पीड़ा हो रही थी कल रात को उनको प्रार्थना कर रहे थे सुबह सुबह भाद्र पूर्णिमा के सुंदर दिन मतलब ये आज की भागवत प्रिंस के दिन सुंदर उनको लड़का हुआ हरी बहु तो आशीर्वाद लेने आप लोग आए हैं लाइए सब आप लोग आशीर्वाद ले सकते गोविंद जी का आशीर्वाद लाइए उनकी रात की ट्रेन आ रही थी मतलब कैंसिल कीजिए आप लेट वाला ट्रेन से जाइए ताकि आप लोग आए आप लोग आशीर्वाद ले सके तो उनके लिए भी एक बार प्रार्थना कीजिए उनके घर मेहमान आए हैं उनका नाम नानी बने हैं समझ रहे उनका भी पैसा वैसा लेके टेंशन मत लीजिए बाद में पर्सनली समझ रहे हर जगह पैसा कमा ले रहे समझ रहे सबसे बड़ा पैसा भगवान का नाम बाकी भी पैसा भी आ जाता है समझ रहे हम लोग होशियार आदमी क्या है जय कृष्ण बढ़ जाए वैसे ही बढ़ो सतगुरु समझ रहे तो जो भी है तो उनके लिए भी एक बार प्रार्थना करेंगे सुंदर बच्चा हुआ है उसका शरीर मंगलमय रहे शरीर स्वस्थ रहे आध्यात्मिक जीवन पुष्टि चले एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हम लोग धन्यवाद देंगे श्री कृष्ण लघु का बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम की एक कथा